हम आपके लिए कुछ गीत गाने वाले हैं. The first song we are going to sing, it says, "Never again my people will be put to shame." पहला गाना हम जो गा रहे हैं वो ऐसा कहता है कि हम कभी दोबारा लज्जित नहीं होंगे. Hallelujah! 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 This is not my word. ये मेरा वचन नहीं है. This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है. Joel chapter 2 verse 27. योवेल का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 27 वचन. Jesus said to us, यीशु ने हमसे कहा, Never again my people shall be put to shame. मैं दोबारा तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने दूंगा. Turn to your friends and tell to them. आपके बाजू में जो बैठे हैं उनसे हाथ मिलाकर बोलिए, लज्जित नहीं होंगे आप. Hallelujah. Hallelujah. This is the word of God this morning. ये परमेश्वर का वचन है आज सुबह आपके लिए. Even earth may pass away, His word will never pass away. ये दुनिया बदल सकती है लेकिन उसका वचन कभी नहीं बदलता. This song, do you know how it birthed in my life? ये गाना मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने कब दिया, कैसे दिया मालूम है? 2008 I came to full time ministry. 2008 में मैं परमेश्वर की पूरी सेवकाई करने आया. My dad is a pastor. मेरे पिता पास्टर है. When I stepped into ministry, we faced a huge storm in our life. जब मैं सेवकाई में नया आया तब हमारे सेवकाई में एक बहुत बड़ा तूफान आया. I thought to myself, मैंने मेरे जिंदगी में सोचा, That's all, my family is going to be put to shame. मैंने सोचा मेरा परिवार लज्जित हो जाएगा. My church is going to be put to shame. मेरी गलीसिया लज्जित हो जाएगी. Chapter is closed. मैंने सोचा किताब का चैप्टर बंद हो गया. But during that time only God spoke to me through this Joel chapter 2 verse 27. लेकिन उस समय परमेश्वर ने ये जोवेल का पुस्तक दूसरा अध्याय 27वें वचन से मुझसे बात किया. My people shall never be put to shame. मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे. Hallelujah. Hallelujah. Started confessing this word every day. मैं इसे बोलने लगा हर रोज. That was a great storm. मेरी जिंदगी में बड़ा तूफान था. But very soon we felt great calm. और उसके बाद तुरंत बहुत समय के पहले ही एक शांति हमारे जिंदगी में. Hallelujah. Hallelujah. During that time we were around 500-600 believers. और उस समय हमारे गलीसिया में 500-600 लोग विश्वासी थे. 100 people left our church. 100 लोग अचानक चले गए. But after this problem our church grew to 1000, more than 1000. लेकिन इस समस्या के बाद हमारी गलीसिया 1000 से ज्यादा में बढ़ गई. Hallelujah. 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 Our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है. He is faithful to His promise. वो अपने प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य है. Whatever He has said to you, that will never fall on ground. और जो भी उसने आपसे कहा, कभी वो वचन नीचे नहीं गिरेगा. Hallelujah. Hallelujah. So my heart was filled with joy. मेरा हृदय आनंद से भर गया. I started thanking God and God gave me this song. और जब मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझे ये गीत दिया. God gave this language, gave this song in my mother language, that is Tamil, but we translated in Hindi now. ये गाना तो मुझे मेरी मातृभाषा तमिल में परमेश्वर ने मुझे दिया था लेकिन उसे हिंदी में हमने भाषांतर किया है. I know only one sentence in Hindi. मुझे सिर्फ एक वाक्य मालूम है हिंदी में. हिंदी नहीं मालूम है. So, but by the grace of God, I learnt it in Hindi. और परमेश्वर की अनुग्रह से मैंने उसे हिंदी में जाना. ना, just I don't know Hindi, but I just memorized it. मुझे हिंदी तो नहीं मालूम, लेकिन उस गाने के बोल को मैंने Hopefully I'll sing it right. मैं विश्वास करता हूँ मैं सही रीति से गाऊंगा. My friend Thomas, he studied in Yavatmal and his wife are there. मेरा मित्र भाई थॉमस और उनकी पत्नी है. मैं यवतमाल में, वो यवतमाल में पढ़े हैं. So they will help me. और वे मेरी मदद करेंगे. Shall we sing this song? आइए हम सब मिलकर इस गाने को गाएं. Are you happy this morning? क्या आप खुश हैं आज सुबह? आमेन. हालेलुया. आमेन. लज्जित नहीं होऊंगा मैं, लज्जित नहीं होऊंगा मैं, लज्जित नहीं होऊंगा मैं. यीशु रहने से बोलो प्लीज. लज्जित नहीं होऊंगा मैं, लज्जित नहीं Jesus. Let the name of God be little louder. Let the name of God be. यीशु रहने से, यीशु साथ, यीशु साथ होने से, यीशु साथ चलने से, यीशु साथ रहने से, लेकिन नहीं होगा मैं, यीशु साथ होने से, यीशु साथ चलने से, यीशु साथ रहने से, लेकिन नहीं होगा मैं. चलने से, यीशु साथ रहने से, यीशु साथ होने से, यीशु साथ चलने से, यीशु साथ रहने से, लेकिन नहीं होगा मैं. Hallelujah. Lift your hands and worship Him. Problems and obstacles in our ministry. हमारे सेवकाई में बहुत सारे समस्या और obstacles आ सकते हैं. But in end we will have victory. लेकिन अंत में हम विजय पाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. The organizers they put their effort. They conducting this pastor seminar in the morning and they are going to conduct the gospel meeting at the ground. यहाँ पर पास्टर लोगों ने ये संवेद का आयोजित किया और शाम को gospel meeting बाहर ग्राउंड में होने वाला है. We know that we will never be put to shame. हमें मालूम है कि हम कभी लज्जित नहीं होंगे. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah Nissi will definitely give us victory. यहोवा निसी हमें जरूर जय देगा. Amen. Amen. God did not promise us that you will never face problem in this world. परमेश्वर ये नहीं कहता कि इस दुनिया में तुम्हें कभी समस्या नहीं होगी. He said, in this world you will have trouble, but be bold that I have overcome this world. लेकिन वो कहता है इस दुनिया में तो तुम्हें समस्या होगा, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने दुनिया को जीता है. Hallelujah. Hallelujah. For all your troubles, God will give you double. और तुम्हारे जितने समस्या हैं, उसका दुगना आशीष परमेश्वर तुम्हें देने वाला है. Turn to your neighbors and tell them after problem you'll have double. अपने बाजू वाले एक बाजू में जो बैठे हैं उन्हें देखकर बोलिए समस्या के बाद दुगना आशीष तुम्हें मिलेगा. How many of you want double blessings in your life? कितने लोगों को दुगना आशीष चाहिए जिंदगी में? Then get ready for the problem. फिर समस्या तो जरूर आएगा. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Hallelujah. 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 Shall we all stand up to our feet? आइए हम सब हमारे पैरों पर खड़े रहें. So we are going to sing this song with action. हम इसे एक्शन के साथ अभी गाने वाले हैं. Very simple action. बहुत साधारण एक्शन है. Very very simple action. बहुत साधारण एक्शन है. Are you ready to do with us? क्या आप हमारे साथ करेंगे? Turn to neighbors and tell them, shall we sing this song without feeling ashamed? अपने बाजू में जो बैठे उन्हें देखकर बोलिए, क्या हम इस गाने को बिना लज्जित हुए हाथ हिलाकर शरीर हिलाकर गा सकते हैं? हमें लज्जित नहीं होगा मैं, लज्जित नहीं होगा मैं. Come on, लज्जित नहीं होगा मैं. यीशु रहने से लज्जित नहीं होगा मैं, लज्जित नहीं होगा मैं, ओ लज्जित नहीं होगा मैं, लज्जित नहीं होगा मैं, यीशु रहने से, यीशु साथ होने से, यीशु साथ होने से, यीशु साथ चलने से, यीशु साथ रहने से लज्जित नहीं होगा मेरे, यीशु साथ होने से, यीशु साथ चलने से, यीशु साथ रहने से लज्जित नहीं होगा मैं। हालेलुया, praise his name, thank you Lord, लज्जित नहीं होगा मैं। हालेलुया, 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 यीशु साथ होने से, come on your voice, यीशु साथ रहने से, your voice louder, your voice, आप आवाज उठाकर गाइए, यीशु को बोलिए विश्वास के साथ, चलने से, यीशु साथ रहने से लज्जित नहीं होगा मैं। हालेलुया, हालेलुया, we praise you Jesus, we will never be put to shame, hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 clap your hands and sing, ताली बजाकर यीशु मसीह को महिमा देंगे। amen। आमीन। Now we are going to do one more thing, अभी हम और एक चीज करने वाले हैं। we are going to sing this song, हम अभी ये गाना गाने वाले हैं। you're going to meet at least 10 people around you, वो गाना गाने के दौरान तुम्हें कम से कम तुम्हारे आसपास में 10 लोगों को मिलना है shake hands with them and tell them that you will never be put to shame, और उनका हाथ मिलाकर उन्हें बोलना है तुम कभी लज्जित नहीं होंगे, tell them that your children will never be put to shame, और उन्हें बोलो तुम्हारे बच्चे कभी लज्जित नहीं होंगे, tell them that your church will never be put to shame, और उन्हें बोलो तुम्हारी कलीसिया कभी लज्जित नहीं होगी। whatever the prophecy God has given to you, tell it, और तुम्हें जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर देता है उसे बोलिए। this is the year of honor, ये आदर का साल है, year of honor, आदर का साल है। I tell you, prophesy this year of honor, ये मैं भविष्यवाणी करके बोलता हूँ, ये आदर की साल है। God of Mordechai will honor you this year, परमेश्वर तुम्हें इस साल आदर करेंगे तुम्हारी। hallelujah। हालेलुया। so we are going to sing that, move around, don't stand in the same place, move around, please don't go outside, huh? कृपया करके बाहर मत चले जाइए, move around आजू बाजू जाइए, but don't go outside, बाहर मत जाइएगा। just meet 10 people, 10 लोगों से मिलिए prophesy to them और उन्हें उनके जिंदगी में भविष्यवाणी and कीजिए come back to your place। और अपने जगह में वापस आइए। We are going to sing and you are also going to sing and you are going to prophesy to your अभी friend। अभी नहीं, जब हम गाना गाएंगे और भविष्यवाणी भी करेंगे। okay, legit नहीं होगा मैं, जाइए। mild up, legit नहीं हो, mild, legit नहीं होगा मैं, ईशु रहने से मिलिए, सबसे मिलिए, legit नहीं होगा मैं, legit नहीं होगा मैं, legit नहीं होगा मैं, prophesy to them, उनके जिंदगी में भविष्यवाणी कीजिए, legit नहीं बोलिए होगा लज्जित नहीं मैं, होंगे, legit नहीं होगा मैं, legit नहीं होगा मैं, ईशु रहने से, oh legit नहीं होगा मैं, legit नहीं होगा मैं, legit नहीं होगा मैं, यीशु रहने से नहीं होगा मैं लेजिट नहीं होगा मैं लेजिट नहीं होगा मैं यीशु सिंग सिंग लेजिट नहीं होगा लेजिट नहीं होगा मैं ओ लेजिट नहीं होगा मैं लेजिट नहीं होगा मैं यीशु रहने से यीशु रहने से keep saying बोलते रहो यीशु रहने से यीशु रहने से यीशु रहने से यीशु चलने से यीशु रहने से यीशु चलने से clap your hands and give glory to God ताली बजाकर ओ रबा मामा दरा 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 यीशु रहने से यीशु रहने से यीशु रहने से हालेलुया हालेलुया yes Lord oh हालेलुया हालेलुया ओ रामा से जुरू हालेलुया once again हालेलुया praise you praise you praise you praise you oh हालेलुया oh हालेलुया Oh hallelujah यीशु रहने से यीशु चलने से यीशु just बोलो यीशु यीशु name above all names name above all names सब नामों से ऊंचा नाम name above all names सब नामों से ऊंचा name नाम above all सब names नामों से ऊंचा नाम just louder call his name with louder voice उसके नाम को पुकारो oh hallelujah ऊंचा नाम यीशु का नाम है पवित्र नाम यीशु का नाम है सामर्थ्य नाम यीशु का नाम है आश्चर्य नाम यीशु का नाम है हालेलुया हालेलुया David said to Goliath दाऊद ने गोलियात को देखकर कहा, यू कम विद ऑल आर्मर्स, तू सब इसको लेकर आता है, सारे आर्मर को लेकर आता है, बट आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ. His name is आश्चर्य नाम, उसका नाम आश्चर्य नाम है. उसका नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, परिशुद्ध नाम, पवित्र नाम है, उन्नत नाम, ऊंचा नाम है, उयर्द नामो, सबसे बड़ा नाम है. हालेलुया, हालेलुया. Every others are running behind. और सब उस नाम के पीछे दौड़ते हैं. They're showing their back and running. सब लोग अपने पीठ दिखाकर भागते हैं. Bible says David ran forward. लेकिन दाऊद ही परमेश्वर के नाम से आगे भागने लगा. I prophesy that you're going to run forward, not backward. आज से आप पीछे नहीं आगे दौड़ेंगे. Your ministry is going to go forward. आपकी सेवकाई आगे बढ़ने वाली है. Hallelujah! Hallelujah! Goliath is trying to stop you. गोलियात आपको रोकने की कोशिश कर रहा है. He's threatening you. वो आपको डरा रहा है. But I tell you, you're going to go as a team moving forward. लेकिन आप एक दल बनकर आगे जाने वाले हैं. In Bible we see that River Jordan was threatening Joshua and the whole Israel. और हम बाइबल में पढ़ते हैं यर्दन नदी यूशुआ और उसके साथ पूरे इस्राएल को डरा रही थी. Bible says the Jordan was running beyond the boundaries. और बाइबल कहता है कि योर्दन तो अपने सीमा से बढ़कर उसमें पानी जा रहा था. In Tamil they say that எல்லையை மீறி ஓடிட்டு இருக்கு. और तमिल में ऐसा कहते हैं सीमा से बाहर होकर. But I tell you, you step forward. लेकिन मैं कहता हूँ जब आप आगे कदम रखेंगे. I tell you in Christianity there is no right turn, there is no left turn, there is no about turn, only forward. मसीह जीवन में दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़ नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है. Hallelujah. Hallelujah. There is no reverse gear in your life. आपके जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं है. 10%, 10%. There is no reverse gear. Reverse gear. बाजू में जो बैठा है उन्हें देखकर बोलिए रिवर्स गियर नहीं है आपकी जिंदगी में. Just move forward. सिर्फ आगे बढ़ो. Hallelujah. Hallelujah. When Israelites, when they saw big Red Sea, when they saw that Jordan River was flowing, God did not say, please take about turn. God did not ever say that take right turn, left turn, or go about turn, or go around. I mean, God did not say go around Jericho. He said go forward. परमेश्वर ने लाल समुद्र के सामने या यर्दन नदी के सामने या यरीको दीवार के सामने कभी नहीं कहा दाहिने मुड़ो, बाएं मुड़ो, बोला सीधा अंदर जाओ. Hallelujah. Hallelujah. This morning God wants to encourage you. Go forward. आज भी परमेश्वर आपको उत्साहित करता है आगे बढ़ो. Go forward. आगे बढ़ो. One step will change every situation in your life. आपके जिंदगी में एक कदम पूरी समस्या सबको बदल कर रख देगी. Hallelujah. Hallelujah. One single step of faith will help you to that. One single step of faith, amen, it will help you to move forward. Not only that, the Jordan will go behind. सिर्फ आपका विश्वास के साथ आपका आगे रखने वाला एक कदम सिर्फ आपको आगे नहीं बढ़ाएगा पर आपके जिंदगी की यर्दन नदी को दो टुकड़ों में फाड़ेगा. हालेलुया, हालेलुया. उंगले पिन वांग வைக்கணும் நினைச்சதெல்லாம் பின் வாங்கும். और तुम्हें जो बातों ने सोचा कि ये करके इसे पीछे कर देंगे वो बातें खुद पीछे चलकर जाने लगेंगे. हालेलुया, हालेलुया. I like that word पीछे. मुझे पीछे शब्द अच्छा लगा. Amen. Turn to neighbors and say that will go away. और अपने बाजू में जो खड़े उन्हें देखकर बोलो वो पीछे चल जाएगी. We don't know what is that पीछे. हमको नहीं मालूम कि वो क्या है. No, I don't know what that problem. I don't know what that problem will go away. But simply say that they will understand what is the problem. मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ वो पीछे चल जाएगी. आपको मालूम होगा आपके जिंदगी में वो क्या चीज है. Hallelujah. Hallelujah. Can you please tell one more time to them? और एक बार बाजू में मुड़कर बोल सकते क्या? That particular problem will go away. वो समस्या पीछे चल जाएगी. Hallelujah. Hallelujah. Shall we all lift our hands and sing? आइए हम हाथों को उठाकर बोले. ऊंचा नाम यीशु का नाम है. सामर्थ्य नाम यीशु का नाम है. पवित्र नाम यीशु का नाम है. आश्चर्य नाम यीशु का नाम है. ऊंचा नाम यीशु का नाम है. सामर्थ्य नाम यीशु का नाम है. पवित्र नाम यीशु का नाम है. आश्चर्य नाम यीशु का नाम. Can you please sing along with this? ऊंचा नाम यीशु का नाम है. आश्चर्य नाम यीशु का नाम. पवित्र नाम यीशु का नाम है. आश्चर्य नाम यीशु का नाम है. स्तुति हो, आदर हो, महिमा हो यीशु के नाम को. स्तुति हो, आदर हो, महिमा हो यीशु के नाम को. स्तुति हो, आदर हो, महिमा हो यीशु के नाम. Once again, स्तुति हो, आदर हो, महिमा हो यीशु के नाम को. ऊंचा नाम यीशु का नाम है. आश्चर्य नाम यीशु का नाम है. पवित्र नाम यीशु का नाम है. नाम यीशु का नाम है. ऊंचा नाम यीशु का नाम है. पवित्र नाम यीशु. आश्चर्य नाम यीशु का नाम है. यीशु अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है. यीशु अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है. यीशु अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है. यीशु अच्छा. Keep singing that name. Oh, यीशु अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है. यीशु अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है. यीशु अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है. यीशु अच्छा है, सदा की है. Oh, clap your hands and praise His name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Just close your eyes and lift up your hands. अपने आंखों को बंद करके हाथों को उठाइए. We are going to finish it. हम खत्म करने वाले हैं. Just lift up your hands. अपने हाथों को उठाइए. I believe every Every red sea will depart in your life. मैं विश्वास करता हूँ हर लाल सागर आपके जिंदगी से गायब होने वाला है. Everything that is stopping you is going to be departed. तुम्हारे जिंदगी में जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है वह तुम्हारे जिंदगी से जाने वाला है. No more, no more stagnance. अभी से रुकावट नहीं. No more complication. अभी से complication नहीं. No more complication. अभी से समस्या नहीं, complication नहीं. Hallelujah. Just open your mouth and confess. No more complication in my ministry. आपके मुंह खोलकर बोलिए इसके बाद मेरे सेवकाई में no more complication. No more complication in my family. आज के बाद मेरी परिवार में समस्या नहीं. No more complication in my church. मेरे कलीसिया में समस्या नहीं. ओहरा बाका डोरो. What you have seen इंद्र कंड एगिप्त ने नी वालनाले लां पार कमाटा. आज जो मिस्र देश को तू देख रहा है उसे इसके बाद तेरे जिंदगी में कभी नहीं देखेगा. इंद्र कंड एगिप्तिया नहीं. आज जो मिस्र देश को तू देख रहा है नी मेल में पार कमाटा. इसके बाद तू उसे कभी नहीं देखेगा. Clap your hands and declare it. ताली बजाकर उसे ग्रहण कीजिए. Oh hallelujah. ताली बजाकर hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh. Thank you Jesus for the wonderful time. प्रभु सुंदर सा समय के लिए धन्यवाद. Your promises will never lie. प्रभु आपकी प्रतिज्ञा कभी झूठ नहीं बोलता. You are not a man to lie. आप मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए. You are not a man to change. आप एक मनुष्य नहीं है बदलने के लिए. Whatever you have promised, तुमने जो भी वादा किया है, that will surely come to pass. वो जरूर पूरा होगा. Surely there is a future hope for us. निश्चय एक भविष्य हमारे लिए है. Just confess along with it. Surely there is a future hope for us. इसे बोलिए, बोलते रहिए. निश्चय हमारा एक उज्जवल भविष्य है. Once again, और एक बार बोलिए निश्चय हमारा एक उज्जवल भविष्य है. निश्चय हमारा एक उज्जवल भविष्य है. निश्चय हमारा एक उज्जवल भविष्य है. My hope will never be cut off. मेरी आशा कभी लज्जित नहीं होगी. Hallelujah, हाले ऊंचा नाम यीशु का नाम है. सामर्थ्य नाम यीशु का नाम है. पवित्र नाम यीशु का नाम है. आश्चर्य नाम यीशु का नाम. I prophesy that you will see wonders. मैं भविष्यवाणी करता हूँ आप आश्चर्य कामों को देखेंगे. Hallelujah, you will see wonders. आप अद्भुत आश्चर्य कामों को देखोगे. You will not see the rain, you will not see the cloud, but you will see the wonders of God. आप बारिश बरसात को नहीं देखेंगे, बादल को नहीं देखेंगे, लेकिन अद्भुत कार्य को भरते हुए आपकी जिंदगी में देखेंगे. Hallelujah, Hallelujah. You will not see the rain. आप बारिश को नहीं देखेंगे. You will not see the cloud. आप आसमान में बादल को नहीं देखोगे. But your valleys will be filled with waters. लेकिन तुम्हारा पूरा सूखा जमीन पानी से भर जाएगा. Hallelujah, Hallelujah. Clap your hands and thank the Lord this morning. Clap your hands and glorify God this morning. We give you glory, Lord. We give you glory, 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 glory. In the name of Jesus we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Turn to neighbors and tell them that never again you will be put to shame. अपने बाजू में देखकर बोलिए आप दोबारा कभी लज्जित नहीं होंगे. Hallelujah. आप बैठ सकते हैं. हम ब्रदर जैक रॉबर्ट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरह से गीतों के माध्यम के द्वारा हमें प्रभु का संदेश पहुंचाया है. आप सब खुश हुए कि नहीं? आमेन. आज का पहला दिन है चोजन वेसल, चुने हुए पात्र. आमेन. तो ये मेरा और आपका सौभाग्य है कि उसने हमको चुना है, उसने हमको अपना पात्र बनाया, वेसल बनाया है, ताकि उसकी महिमा, उसके सामर्थ्य काम हमारे द्वारा प्रकट हो सके। हालेलुया। इट शुड बी सीन थ्रू अस बिकॉज वी आर द रिवाइवल कैरियर्स। हालेलुया। सो वी मस्ट ऑलवेज रियलाइज दैट थिंग दैट वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल। आमेन। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हम में वो सामर्थ निवास करती है। आमीन। उसकी पवित्र आत्मा हम में निवास करती है और हम इतिहास को बदल सकते हैं। हालेलुया। बिकॉज वी आर द हिस्ट्री चेंजर्स। आप सब विश्वास करते हैं? आमीन। हमारे प्रभु ने इतिहास को बदल दिया, इसलिए एडी और बीसी आ गया। हालेलुया। तो ये हमारा सौभाग्य है और हमारा ये सौभाग्य नागपुर के विश्वासियों के लिए ये है कि हमारे बीच में बहुत ही अच्छा परमेश्वर के सेवकगण आए हैं, अपना काम छोड़कर, अपना समय निकालकर आज हमारे मध्य में आए हैं। हालेलुया। तो इसलिए सारे पासवानों का नाम तो नहीं जानता मैं, लेकिन हमारे बीच में दो बिशप भी मौजूद हैं। आमीन। बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ साहब भी मौजूद हैं और मैथ्यूज साहब भी, बिशप मैथ्यूज साहब भी मौजूद हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम इस वक्त इनॉग्रेशन करने जाएंगे, उसके पश्चात आपको सबका नाम सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन आइए हम, आई विल हैंड ओवर टू बिशप जॉन जोसेफ साहब, सो ही विल डू द इनॉग्रेशन। तो आइए हम सभी ध्यान देंगे इधर और सब अपने अपने जगहों पे आप बैठ जाएं और कोई भी हलचल ना करे प्लीज़, क्योंकि हम खुदा के मौजूदगी में हैं, तो इसको हम यूं ही ना ले। आपको अगर जाना है तो अभी जाके आइए, लेकिन जब संदेश चालू होगा तो आप ना उठे प्लीज़, ये आपसे विनती है। प्रभु यीशु मसीह का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आपका यहाँ रहना गलती से नहीं है, अचानक से नहीं है। मेरा विश्वास पवित्र आत्मा ने आपको चुन चुन करके यहाँ पर लाया। आमेन। यस। हालेलुया। Holy Spirit is leading us. Holy Spirit is guiding us. We thank God for the wonderful worship. And as I say this prayer of the inauguration, I want to read one Bible passage in the found in the book of Acts. और मैं quotation नहीं दे रहा हूँ, but you already know this. हननिया ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना हूं कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है। अब जानते हैं हननिया किसके बारे में कह रहा है। हननिया saying that God, this man Saul is a rejected vessel. पर सुनो, परमेश्वर ने 15 वचन में क्या बोला। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चले जा, क्योंकि यह तो अन्य जाति और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट होने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। Chosen vessel, chosen vessel। हननिया रिजेक्ट कर रहा है सॉल को। लॉर्ड, यू डोंट नो दिस मैन। आई हैव हर्ड अबाउट मेनी बैड थिंग्स अबाउट दिस मैन। कई बार जब सिटी में काम करते हैं ना, लॉर्ड आई एम द गुड पास्टर, ही इज अ बैड पास्टर, ही इज अ बैड पास्टर, ही ओ बदतर बेकार, उसके बारे में आप बैकग्राउंड नहीं जानते। आई बिलीव Ananias was saying something like this, but God said, Saul is my chosen vessel. And I'm so glad this seminar is named as Chosen Vessel Seminar, because each one of you present here is a chosen vessel appointed by God. Hallelujah. Pastor Ronnie ne bola, we are the history makers of this land. We decide the fate, the future of Nagpur city and of this nation. Amen. Hallelujah. Hamare haathon mein hai is nagar ka bhavishya. आइए अपने स्थानों पर हम सब जन और एक बार खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। इनॉग्रल प्रेयर। शैल वी ऑल स्टैंड टू आवर फीट एंड एज वी प्रे द इनॉग्रल प्रेयर एंड स्टार्ट दिस सेमिनार, लेट अस लिफ्ट अप आवर हैंड्स एंड वर्शिप गॉड। Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, for we walk not by sight, but by faith, O Lord. But by faith, O Lord. Faith in believing in the word of God that you have brought each one of us here, O Lord. For a reason, for a plan of God, for a purpose of God, O Lord. Oh, Prabhu ji, हम धन्यवाद, एक एक व्यक्ति ये चुना हुआ पात्र है, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. एक एक couples यहाँ पर जो आए हैं, आपने चुना है, आपने बुलाया है, आपने सेवकाई के लिए पिता प्रभु जी वी थैंक यू फॉर दिस टाइम लॉर्ड दैट वी कैन बी स्पिरिचुअली रिचार्ज्ड ओ लॉर्ड जीसस लॉर्ड वी स्टार्ट दिस सेमिनार इन योर माइटी नेम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड ऑलमाइटी एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द चर्च ओ लॉर्ड जीसस लॉर्ड दैट द चर्च एंड द पास्टर्स एंड देयर फैमिली विल बी रिफ्रेश्ड थ्रू दिस सेमिनार्स ओ लॉर्ड आई ब्लेस एवरी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट हियर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ओ लॉर्ड प्रभु जी वी thank you Lord for calling us here. We thank you for our speakers whom you have anointed afresh and you brought them here with a plan, with a purpose and with the word of God, O Lord. Lord, we dedicate this time into your hands. Lead us and guide us through the power of the Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. 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 यीशु मसीह को धन्यवाद एंड आई डिक्लेयर दिस सेमिनार ओपन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस. अपने स्थानों पर बैठ जाइए. परमेश्वर आशीष. हालेलुया आमेन. फिर एक बार हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जैसा हमको बताया गया है कि बाइबल हमको कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं शीघ्र चले आ रहा हूँ. और मैं इसलिए कहते रहता हूँ क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, पैर मेरा जगह पर ही कट गया था. डॉक्टर बोला था नहीं बचेगा, लेकिन मेरे प्रभु ने कहा पुनरुत्थान जीवन में ही हूँ. हालेलुया. तो आपके सामने मैं खड़ा हूँ, 25 साल हो गए, 4 kg वजन लेके चल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद खुदा जो कर रहा है मेरे समझ के परे है. हालेलुया. तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि हम समय को यूं ही न लें, सिर्फ सुने हाँ चांगला होता चला चांगला झालं, इससे कोई फायदा नहीं होगा. मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसने कहा है मुझको हॉस्पिटल में 9 जनवरी को कि जाओ लोगों को बता कि मैं जल्द आ रहा हूँ. हालेलुया. इसलिए मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि वो आ रहा है सो आ रहा है. आप विश्वास करें या न करें वो आपके ऊपर है. आमेन. तो इसलिए हम तैयार होते रहे. आमेन. और पूरी तरह से तैयार रहे क्योंकि जब वो बादलों पर आएगा तो हम उसके संग हो सकेंगे. आमेन. तो इसलिए हमारे बीच में बहुत सारे वक्तागण भी आए हैं और हम बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कौन है कौन है कौन है. तो आप जानना चाहेंगे. और ये जो सभा रखी गई है चोजन वेसल, इसके पीछे भी क्या दर्शन है उसको भी हम सुनेंगे. आमेन. तो आइए हम इस वक्त डॉक्टर कुलतुंगन से विनती करेंगे कि वो सामने आएंगे और इस दर्शन के विषय में चोजन वेसल के ऊपर आपको बताएंगे. यस बस. Hallelujah. Can we give hand to one another and say, I am glad that you are there. I am glad that you are here. Shall we say that? मैं बहुत खुश हूँ आप हैं इधर. Hello, hello. Come on, give hands. I am glad that you are here. Hello. Check, check, check. Last more than 6 months, Pastor Mohan, Lawrence. And few of us have been praying along with Pastor Joseph Balachandran. पिछले 6 महीनों से पास्टर मोहन, पास्टर लॉरेंस और हम सब मिलकर पास्टर जोसेफ बालाचंद्रन के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे. So this day has come. और ये दिन आ गया. Are you glad? आप खुश हैं? Hello. Hello. Are you happy? आनंदित हैं? When we were thinking of this place, some of us thought this may be too small. जब हमने इस जगह के बारे में देखा तब हमने कुछ लोगों ने सोचा बहुत छोटा जगह है. Every good thing starts small. Amen. हर अच्छा काम छोटे से ही शुरू होता है. Amen. You all have a file and folder. आप सबके पास एक फाइल और एक फोल्डर होगा. And you are come here to write your CV, a new CV during these days. अभी यहाँ पर उस फाइल में फाइल और ये पेन होगा. यहाँ पर नया सीवी यानी बायोडेटा आप इन दिनों में अपने खुद के बारे में लिखने वाले हैं. You are already involved in God's work. आप पहले से ही सेवकाई में तो हैं. But you are chosen. लेकिन आप चुने हुए हैं. You are very special. आप बहुत स्पेशल हैं. So in this chosen vessel seminar, इसीलिए इस चुने हुए लोगों के संगठन में the anointed team that had come, they have been praying for you and for this day. ये अभिषेकित दास जो आए हैं वे इस दिन के लिए और आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे. Last several years they have been involved in different kinds of meetings. बहुत सालों से वे अनेक तरह की सभा करते आए हैं. I remember in Nagpur we had the privilege of having Pastor Joseph Balachandran Kanan in a small way we had a meeting. और नागपुर में पास्टर जोसेफ बालाचंद्रन कनान में एक सभा रखे थे, छोटी सभा. But then after that, some of him I still remember in Kasruddin Park we had a great meeting. और कसरुद्दीन पार्क में एक बहुत बड़ी सभा हमने आयोजित किया था. How many people were there in Kasruddin Park? कस्तूरी पार्क में कितने लोग थे? हाथ उठाकर बता सकते हैं. The new generation has come now. ये नई पीढ़ी आई है. So this chosen vessel seminars, one of the objective is raising a new generation for God. इस सभा का मुख्य कारण है एक नई पीढ़ी परमेश्वर के लिए खड़ा करना. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Hallelujah. Hallelujah. So 2021, God laid the burden in the hearts of Pastor Joseph Balachandran to go to place after place and encourage the chosen vessels. और 2021 में परमेश्वर ने पास्टर जोसेफ बालाचंद्रन को ये निर्देश दिया कि वे हर जगह जाकर परमेश्वर के चुने हुए पात्रों को उत्साहित करें. More about Pastor Joseph Balachandran we'll get to know little bit. और पास्टर जोसेफ बालाचंद्रन के बारे में जानेंगे जरूर. In June, July when we were visiting, he was a chairman of the Madura district pastors conference. There were about 400 plus pastors were there in his church. और हम जब गए थे तब मदुरई में कम से कम 400 पास्टर लोगों का एक संगठन है, उनके प्रेसिडेंट है, उनके गलीसिया में 1000 लोग से ज्यादा लोग हैं. Hallelujah. Hallelujah. So we are few of us who are gathered here, privileged to have him and his team to be ministered unto. और हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे बीच में वे आकर परमेश्वर की सेवकाई करें. Why this chosen vessel seminar? क्यों ये चुना हुआ पात्र की सभा? And as we are praying with along with Pastor Mohan and rest of us, हम पास्टर मोहन के साथ और दूसरों के साथ जब हम प्रार्थना कर रहे थे, the Lord will visit us with the fresh anointing every one of you. और परमेश्वर एक नई अभिषेक के साथ हम सबको भरने वाला है. We will receive great encouragement of equipping one another. हम एक दूसरे को उत्साहित करेंगे और equip हो जाएंगे. Uncorrupted, crystal clear biblical teaching will be given to you. और शुद्ध परमेश्वर की वचन की शिक्षा आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है. And as Pastor Jack was telling, we will not be defeated, we will not be shamed, but we will have victorious life. और जैसे पास्टर जैक ने कहा, हम लज्जित नहीं होंगे, हम एक विजय की जिंदगी जिएंगे. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? I have nothing more to than this is the purpose of this chosen vessel seminar. यही चुने हुए पात्र इस सभा का मुख्य कारण है. You will have personal encounter with God. एक परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़. Thank you sir. That's what I want to say. Thank you. धन्यवाद. Amen. Hallelujah. आप सबको जानकारी मिल गई है कि ये दर्शन जो है ये यूं ही नहीं किया गया, इसके पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य है और एक दर्शन के साथ ये किया जा रहा है. और जैसे बताया जा रहा था, डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कुलुतुंगन साहब कि चोजन वेसल, ये हम में से बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे कि परमेश्वर ने आम्हाला कशाला निवडलं. वाई इज चोजनस, यही नहीं हम समझ पा रहे, इसलिए हम वहीं की वहीं गुटुर गुटुर जैसा बोलते हैं ना कर रहे हैं. लेकिन जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा, ठीक है, तब आप उठोगे और कुछ करोगे. यशायाह इसलिए कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है. Amen. तो हम वो chosen vessel है जिसके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश, उसका तेज हुआ है. मरियम ने उसके ऊपर अनुग्रह हुआ, मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया. आपके ऊपर भी अनुग्रह हुआ है, आप किस चीज को जन्म दे रहे हैं? एक क्वेश्चन मार्क आ गया. Amen. आप सोचिए कि आप मसीहत को जन्म दे रहे हैं या संसार की बातों को जन्म दे रहे हैं. Amen. क्योंकि आज एक ब्राह्मीण व्यक्ति था, हितवाद में राइट अप लिखता है कि यीशु मसीह चलता फिरता था, चंगा करता था और उपदेश देते चलता था. तो मैं वही मसीह लोगों के जीवन में होते हुए देखना चाहता हूँ. हालेलुया. तो आइए इस वक्त हम हमारे सारे जो डिग्नेटरीज आए हैं, जो गेस्ट लोग आए हैं, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे. तो आई विल हैंड ओवर दिस टू चेतना. हालेलुया. मेरे साथ पास्टर लॉरेंस भी है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. प्रिय परमेश्वर के अभिषिक्त दासों का स्वागत करने के पहले जो उनसे भी महान ऐसा गेस्ट हमारे बीच में है, हम जोरदार तालियों से उसका स्वागत करेंगे और वो है हमारा परमेश्वर। Shall we all put our hands together and welcome the Lord Jesus who is there among us to minister to us. Amen. Right now at this time we have wonderful men of God with us. और हमारे बीच में जो परमेश्वर के जन हैं उनका स्वागत करने का समय है। नागपुर वाले सब तैयार हैं क्या? Amen. Praise the Lord. हम उनका जब स्वागत कर रहे हैं तो हम स्मरण में रखें कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा और परमेश्वर का हम स्वयं स्वागत कर रहे हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर हमारे साथ आज बात करने जा रहा है। हम आदर करेंगे परमेश्वर का क्योंकि उसने योजना के साथ लोगों को भेजा है, यूं ही नहीं किसी को भेज दिया, पर परमेश्वर ने अपने शब्द को उनके ज़ुबान में डालकर अपना उद्देश्य बताकर हमारे बीच में भेजा है। हमारे बीच में पास्टर जोसेफ बालाचंद्रन हैं, वे गुड समैरिटन फेलोशिप के फाउंडर हैं और वे हमारे बीच में हैं। उनके इतने आयु में भी उन्होंने उस दर्शन को हाथ में लिया और बोला कि ये काम हमें करना है और साथ में एक टीम को तैयार किया। वे 300 कलीसियाओं की पासबानी करते हैं, उनके अंतर उनकी देखरेख में 300 कलीसियाएँ हैं। वे एक प्रेरित हैं, वो एक प्रचारक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक है, विभिन्न देशों में जाकर उन्होंने प्रचार किया है और इस चोजन वेसल के इस बीड़े को लेकर वे अपने साथियों के साथ तमिलनाडु से निकले हैं। तमिलनाडु के अनेक डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने काम किया है, उसके बाद यहाँ आए हैं, यहाँ से पंजाब जाएंगे, पंजाब से फिर वापस मुड़ के द्वीप में श्रीलंका भी जाने वाले हैं और पता नहीं परमेश्वर और कहाँ कहाँ लेके जाने वाला है। क्यों ना पास्टर जोसेफ बालचंद्रन का हम स्वागत करें। और इनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर कुल्लू को बुलाना चाहूँगी सामने। डॉक्टर कुल्लू, कुल्लू भैया प्लीज कम फॉरवर्ड एंड वेलकम पास्टर जोसेफ बालचंद्रन विद द बुके। क्यों ना जोरदार तालियां प्रियो जब उनका स्वागत करते हैं, नागपुर की तालियां। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Yeah, धन्यवाद यीशु, thank you Jesus. और उनके साथ में जब बुजुर्ग निकलते हैं तो जवानों को साथ में दौड़ने की बहुत ज़रूरत होती है। उनके साथ में एक जवानों की एक टोली है। शायद आपको दिखने में आप कितने लोग प्रमाणित करेंगे जवान है नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा में होकर कर हम मैं बोल सकता हूं कि वे सारे जवान हैं। हमारे बीच में पास्टर एल जबराज हैं, वो पारिवारिक सम्मेलनों में बोलने के लिए परमेश्वर उनको वो बेदारी दी है, वो अभिषेक उनको दिया है और अनेक परिवारों को जोड़ने के लिए और अनेक परिवारों को स्थिरता में लेके आने के लिए परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है। वे एक कलीसिया के पासबान हैं और पासबान होने के साथ उनको परमेश्वर ने बोझ केवल अपनी कलीसिया का नहीं दिया है, अनेक कलीसियाओं में तमिलनाडु में जाकर वे परिवारों को एकजुट करने को और परिवारों को स्थिर करने में वे काम करते हैं। तो हमारे बीच में पास्टर एल जबराज है, मैं उनसे विनती करूंगा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कम फॉरवर्ड सो द पीपल मे सी यू एंड वी मे वेलकम यू विद वार्म। और इनके स्वागत के लिए मैं फादर संजय कोचडे जी को बुलाना चाहूंगी। अच्छी तालियां हम बजा सकते प्रियो। हम इस बैच को अंकित करके हम स्वीकृत करते हैं कि परमेश्वर के अभिषेक थे और वे हमारी अगुवाई करेंगे। हमारे बीच में उसी प्रकार एक और युवा प्रचारक है, वे विदेश में पढ़े और विदेश में पढ़ाई अपनी करते वक्त ही परमेश्वर ने उनको बोझ दिया, वो अगुवाई दिया कि तुझे मेरे लोगों के लिए इंडिया में आके तुझे दौड़ना है करके। हमारे बीच में पास्टर जोसेफ बालचंद्रन के बड़े बेटे पास्टर ग्लैडी पॉल हैं, वे एक तमिलनाडु में मदुरई में गुड समैरिटन फेलोशिप के पासबान हैं और उसी के साथ एक बहुत ही एक प्रभावशाली प्रचारक है और परमेश्वर के वचन को बोझ के साथ और सामर्थ के साथ लेके जाने के लिए सक्षमता रखते हैं और वे भी हमारे बीच में हैं। क्यों हम जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। पास्टर ग्लैडी पॉल प्लीज। और इनका स्वागत करने के लिए पास्टर पॉल सामने आएंगे। प्रियो जोरदार और बहुत अच्छी तालियां बजा सकते हैं परमेश्वर के सेवकों के लिए। जोरदार तालियां भाई, थैंक यू। थैंक यू पास्टर। हमारे बीच में थोड़ी देर पहले आराधना में लीड करने के लिए एक और पासवान थे, पास्टर जैक रॉबर्ट्स। उनको परमेश्वर ने उस दाऊद का वो अभिषेक दिया गीतों को लिखने का, और उस अभिषेक के साथ उन्होंने विश्वास का राजा, जिसको तमिल में कहते हैं नंबिकई नायकन, जिसका अर्थ यह है कि विश्वास का योद्धा, विश्वास का राजा, उस थीम के अंतर्गत उन्होंने कई सारे सीडीज़ को उन्होंने रिलीज़ किया है। और तमिलनाडु में उनके गीत बहुत लोगों के जीवन में बदलाहट को ला रहा है। मेरे जीवन की व्यक्तिगत गवाही मैं देना चाहूँगा कि उनके गीत मैं जब मेरे टूटे हुए समय पर जब मैं गाते हुए मैं गाड़ी पे चलते चलते वो गानों को गाते हुए चलता था, और तमिल में सुनते हुए गाड़ी चलाते हुए हिंदी में अनुवाद करने का थोड़ा प्रयास करते रहता था और उसको हिंदी में गाने का प्रयास करता था गाड़ी चलाते हुए। वो गीतों ने मेरे जीवन को छुआ और मेरे नाउमीदी के समय उम्मीद उन गीतों के द्वारा परमेश्वर ने मुझको दिया। शैल वी ऑल पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम पास्टर जैक रॉबर्ट्स टू कम। और इनके स्वागत के लिए मैं रेवरेंड अमित मानवटकर जी को बुलाना चाहूंगी। जवान पासवान का वेलकम करने के लिए हमारे जवान पासवान नागपुर से। थैंक यू पास्टर। हमारे बीच में एक और पास्टर हैं, पास्टर कैवल्यम, और वे हमारे बीच में हैं, वो मंच पर उपस्थित हैं। और वे उनके हाथ के नीचे करीब 50 से 60 कलीसियाओं को लेकर चल रहे हैं और भारत में कई सारे मीडिया ग्रुप्स के साथ में वे काम कर रहे हैं, मसीह मीडिया ग्रुप के साथ में। उन्होंने मुझको बोला था ये सब मत जोड़ना करके बोले मेरा सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन देना, मैं एक पासवान हूँ, मेरे हाथ के नीचे करीब 50 कलीसियाएँ हैं। पर उसके साथ में मैं बताना चाहूँगा देश में विदेश में प्रचलित कई मसीही मीडिया चैनल्स के साथ वे जुड़े हुए हैं और अनेक कलीसियाओं को वो प्रोत्साहन में लगे हुए हैं। और चोजन वेसल सेमिनार के प्लानिंग के लिए भी वो सामने निकल कर आए थे, बीते दिनों में हमारे बीच में थे, टीम सारे जानते हैं, उनसे मिले हैं। और वो ऐसे अनेक सेमिनार्स का जन्म देने की में सहायक करके आगे पहले निकलते हैं ताकि उसकी स्थापना और उसके प्लानिंग वर्क पूरा किया जाए। परमेश्वर उसके लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। अनेक परमेश्वर के बड़े दासों के साथ घूमकर उनकी मीटिंग्स को आयोजन देकर उसको एक अच्छा रूपरेखा देने में परमेश्वर ने उनको बोझ और वो अगुवाई दिया है। क्यों ना जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें पास्टर कैवल्यम। और इनके स्वागत के लिए रेवरेंड गुंडानी जी सामने आएंगे। फिर से एक बार जोरदार थालियां हम देंगे। फर्स्ट वी वेलकम यू। हमारे बीच में एक और व्यक्ति हैं, वे हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं और जैसे पास्टर कैवल्यम आए थे उनके साथ में वे भी आए थे। वो पास्टर जोसेफ बालचंद्रन के साथ विवाह के पूर्व 7 साल तक उन्होंने पास्टर के साथ में सेवकाई की और 7 साल सेवकाई के बाद में परमेश्वर ने पास्टर की बेटी से उनका विवाह रचाया और वे पास्टर जोसेफ बालचंद्रन के जवाई हैं। पास्टर जेकब सेल्विन हमारे बीच में हैं। कंधे से कंधा लगाकर सेवकाई में साथ चलते हैं और दौड़ते हैं और वे हमेशा पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं। रेवरेंड देवतली जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आएंगे। इस पूरी मीटिंग के तैयारी के लिए वे आगे रहे, कंटिन्यूस सुबह हो या रात फ़ोन उठाने में तत्पर रहते हैं कि भाई क्या चाहिए। जोरदार थालियों से हम उनका स्वागत करें। हमारे साथ में जैसे पास्टर जैक रॉबर्ट्स जब गीत गा रहे थे साथ में अनुवाद करने के लिए और उसमें मदद करने के लिए साथ में भाई खड़े थे, हिंदी बोल रहे थे और वो हमारे यवतमाल में ही रहे हुए हैं, वहाँ से पढ़े हुए हैं और उसके साथ ही परमेश्वर ने उनको अभिषेक दिया है कि जितने लोग हिंदी बोलते हैं और तमिलनाडु चले गए तो उधर जाकर भैया रोटी सब्जी मिलेंगी क्या, मांगने में बड़ा तकलीफ होता, रोज रोज वही सांभर चावल मिलता है बोले, नहीं तो इडली डोसा सांभर वड़ा खा के बोर हो गए बोले। तो उनको हिंदी में वचन परोसने के लिए परमेश्वर ने उनको बोझ दिया और मदुरई में हिंदी चर्च गुड समारिटन फेलोशिप के, चेन्नई में सॉरी, चेन्नई में हिंदी चर्च गुड समारिटन फेलोशिप के अंतर्गत वहाँ के जो स्थानांतरित लेबरर्स हैं और अन्य लोग हैं उन लोग के बीच में सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने उनको तैयार किया, वो बोझ दिया और हिंदी कलीसिया चेन्नई में होती है। हालेलुया। पास्टर थॉमस और उनकी वाइफ सिस्टर शिरीन हमारे बीच में और इनके स्वागत के लिए रेवरेंड आठवले अगर यहाँ पर है प्लीज, या रेवरेंड के आठवले प्लीज कम फॉरवर्ड। और सचमुच में यहाँ हिंदी और तमिल का दोनों वरदान पाकर चेन्नई में जाकर हिंदी के लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने जो बोझ दिया उसके लिए जोरदार तालियां बजाकर परमेश्वर को हम गौरवित करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये सब हम जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, बोलिए हम चुने हुए पात्र हैं। बाजू वाले को थोड़ा कंधे पे हाथ रख के बोलिए आप चुने हुए पात्र हैं। और जब सारे चुने हुए पात्र यहाँ पर जब उपस्थित हैं तो हमारे बीच में बिशप साहब स्वयं जब सुने कि चुने हुए पात्रों का सम्मेलन है तो मैं क्यों नहीं जाऊं वहाँ पर, उन्होंने अपने आप को नम्र किया बिशप मोबिन ने और बोले कि मैं स्वयं वहाँ आना चाहता हूँ और उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। हालेलुया। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना पंजीकरण कर कर वो हमारे माध्यम है। क्यों ना जोरदार तालियों से उनका गौरव करें। और इनकी उपस्थिति के लिए हम रेवरेंड रॉनी जैकब सामने आएंगे। और बिशप मोबिन यूं ही बड़े एकदम सीरियस खड़े रहने वाले व्यक्तियों में से नहीं है, उछल कर कूद कर आराधना करने वाले आराधक भी है भाई। हालेलुया। आमतौर पे बिशप बोले तो ऐसा एकदम अटेंशन में खड़े रहने वाला व्यक्ति सोचते हैं, पर ये उछल कूद कर कर आराधना करने वाले बिशप साहब है हमारे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आप सभी का, नागपुर वासियों की, हम सब ने मिलकर आपने सहयोग दिया कि हमारे सारे अतिथियों का हम स्वागत उत्तम वृत्ति से कर सके। आगे का समय में पास्टर रॉनी के हाथ में देना चाहूँगा। ஆண்டவரும் ரட்சகருமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வாழ்த்துக்கள்। உங்களுடைய அன்பான வரவேற்பை நான் பாராட்டுகிறேன்। எப்படி ஊழியர்களை வரவேற்பு என்பது उंगड़तन ना नांगे तमिलनाडु कற்றுकोल वेंडो। और कैसे जो लोग आते हैं उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें उसे हमें आपसे सीखना है। अनबाना वरवेरपे नांगे वरवेरकरोम। आपने ताली बजाकर हमारी स्वागत किया, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। एंगले ஏற்றுக்கொண்டு இந்த Chosen Vessel Seminar மிக நேர்த்தியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணதுனால இந்த எல்லா பாஸ்டர்ஸ்க்கு விசேஷமாய் இந்த ஆர்கனைசிங் கமிட்டிக்கு நாங்கள் மிகவும் நன்றியுள்ளவராக இருக்கிறோம்। உங்களை நாங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம், உங்களை வாழ்த்துகிறோம்। और हम आपके शुक्रगुजार है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का और सब लोगों का जिन्होंने हमें स्वीकार किया और आपके बीच में सेवकाई करने का एक मौका दिया। हमें நாங்கள் குழுவாக வந்திருக்கிறோம், हम एक दल बनकर आए हैं। முதல்ல எங்களை கேட்டுக்கொண்டாங்க, மெயினா 4 பேராவது மத்தியானம் லஞ்சுக்கு பிரேக்குள்ள செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று. ஆனால் இன்றைக்கு நேரம் இல்லாதனால நாங்கள் 3 பேர், நான், என்னை தொடர்ந்து பாஸ்டர் எல் ஜபராஜ், அதை தொடர்ந்து ஃபாதர் பெர்க்மன்ஸ், ஒரு 2:30 மணிக்கு முன்னால் முடிச்சிருவோன்னு விசுவாசிக்கிறேன். கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ளுங்கள். இப்போ டீ பிரேக் முடிஞ்சதுனால நான் ஸ்டாப்பாக நாங்கள் 3 பேரும் நாங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை எங்கள் உள்ளத்தில் கர்த்தர் பாரப்படுத்தின வார்த்தைகளை நாங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறோம். और अभी 4 सेशन होना था, लेकिन समय के कम होते हुए 3 सेशन होगा. मैं पहला सेशन लूँगा, भाई एल जबराज दूसरा सेशन लेंगे और फादर तीसरा सेशन लेंगे. 2:30 बजे से पहले हम ख़त्म कर देंगे. हमारे साथ ज़रूर बने रहिए. அதிகமான ஊழியக்காரர்களுக்கு ஃபாதர் ஃபெர்க்மன்ஸ் செய்யும் என்னையும் தெரிந்திருக்கலாம். और आप में से बहुत से लोग मुझे और फादर बेर्च्मन्स को जानते होंगे. ஒரே ஒரு சாட்சியாக ஒரு பல்லவியை நான் பாட விரும்புகிறேன். और गवाही के रूप में एक छोटा सा गीत मैं आपके बीच में गाना चाहता हूँ. பாடல் கட்டுகிற ஏற்றுகிற கிருபை எனக்கு கிடையாது, ஆனால் என் மகனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர். और गाना लिखने का दान परमेश्वर ने मुझे नहीं मेरे बेटे को दिया है. ஆனால் நான் ஒரே ஒரு பல்லவி ஏற்ற ஆண்டவர் ராகத்தையும் வார்த்தைகளையும் கொடுத்தார் ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னால. और सिर्फ एक गाना लिखने के लिए एक राग परमेश्वर ने मुझे दिया 40 साल के पहले. அதனால தமிழ்லயும் ஆங்கிலத்திலயும் அந்த பல்லவியை பாடினேன். और मैंने अंग्रेजी और तमिल में उस गाने को गाया. நாங்கள் பீகாருக்கு போயிருக்கும் பொழுது அகஸ்டின் ஜெயக்குமார் அதை இந்தியில மொழிபெயர்த்து இன்னைக்கு உலகமெங்கும் அந்த பல்லவியை பாடுறாங்க. और उसे अगस्टिन जयकुमार पास भाई ने भाषांतर हिंदी में किया और पूरी दुनिया में आज वो गीत गाया जाता है. ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார், कभी नहीं छोड़ेगा. ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார், कभी भी नहीं छोड़ेगा. हालेलुया हालेलुया என்ற அர்த்தம் கொண்ட அந்த தீமில் அந்த பல்லவியை நான் பாடிய உசர் எனக்கு கொடுத்தார். उसी अर्थ के साथ मैं इस गाने को आपके बीच में गाना चाहता हूं. நான் தமிழ்ல பாடி அந்த பல்லவி பாடிட்டு हिंदीல अगस्टिन ஜெயக்குமார் மொழிபெயர்த்ததையும் உங்களோடு சேர்ந்து நான் பாட விரும்புகிறேன். और मैं तमिल में उसे पहला गाना जाता हूं और उसके बाद आपके साथ मिलकर हिंदी में हम सब मिलकर गाएंगे. ஒரு போதும் கைவிட மாட்டார், ஒரு போதும் விலகிட மாட்டார், ஒரு போதும் அவரின் ஜனங்கள் வெட்கமடைய விடமாட்டா. இதான் என்னுடைய அனுபவ சாட்சி. யஹி மேரி கவாயி ஹை. 1967 வருஷம் 20வது வயதுல இயேசுவை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டேன், அபிஷேகம் பெற்றேன். 1960वें साल में जब मैं 20 साल का था तब परमेश्वर यीशु को मैंने ग्रहण किया, अभिषेक पाया. 24 வயதுல 1970ஆம் வருஷம் मुल नेर ओलियतले प्रवेशितेन. और 1970 में मैं पूरी तरह सेवकाई में आया. 52வது வருஷமாக இந்த 76வது வயதிலே கிருபையாய் அவருக்கு ஊழியம் செய்து வருகிறேன். और अभी 76 इयर्स हो गया. 52 इयर्स से परमेश्वर ने मुझे उसकी सेवकाई करने में मदद किया. எனக்கு ஒரு மனைவி, मेरी एक पति है, 7 பிள்ளைகள், 7 बच्चे हैं, 14 பேர பிள்ளைகள், 16 grandchildren हैं. இந்த இத்தனை ஆண்டுகளாக இத்தனை சால் से நான் இயேசுவை குறித்து சொல்ற ஒரே ஒரு ஆணித்தரமான சாட்சி, ஈசு के बारे में एक गवाही अगर मैं दूं, ஒரு தடவை கூட என்னையும் என் குடும்பத்தையும் அவர் கைவிடவில்லை. उसने कभी भी मुझे और मेरे परिवार को छोड़ा नहीं. ஒரு தடவை கூட என்னையும் என் குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் பேரப்பிள்ளைகளையும் வெட்கமடைய விடவில்லை. और कभी भी उसने मुझे ना ही मेरे बच्चों को ना ही मेरे नातों पोतों को उसने कभी लज्जित किया. انا ஒரு அதிகாலையிலே நான் ஆண்டவரே நன்றி சொல்லி பாடும் பொழுதுதான் இந்த வார்த்தைகள் வந்தது. அது பாடலா வந்தது. அது மாத்திரம் तमिल हिंदी में पाड़ी नान सही सोल्ल विरुम्बुगिरेन. और इसी गाने को मैं हिंदी में गाकर परमेश्वर के वचन से आपके बीच में बांटना चाहता हूँ. उसके बाद कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लो लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे. तमिल पढ़ामा और बोलो कई இன்னைக்கு உங்களோடு நான் முகவர் இன்ட்ரோடக்ஷனாக நாங்கள் 3 பேர் பேச வேண்டியது இருக்கிறதுனால மணி 11:50 ஆகுது. இங்கே எல்லாம் ஒழுங்குக்கிறவமாக நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கங்க. அதனால் நாங்கள் எப்படியாவது சரியான நேரத்தில் முடிக்க பிரயாசப்படுகிறோம். நாம் இப்படி 11:50 ஆகுது. டிரான்ஸ்லேஷனோட 12:30 மணிக்கு என் செஷனை முடிச்சுடுவேன். முடித்த உடனே பாஸ்டர் ஜெபராஜ் ஆரம்பிப்பார். அவர் ரொம்ப பங்க்சுவலாக இருப்பார். அவரும் அவர் நேரத்தில் முடித்த பிறகு கடைசியாக ஃபாதர் வந்து கொஞ்ச நேரம் உங்களை துதி ஆராதனையை நடத்தி அவருக்கு ஆண்டவர் கொடுக்குற ரேமா வார்த்தையை உங்களுக்கு சொல்லி நம்ம லஞ்சுக்கு பிரேக் பண்ணிடுவோம். और अभी मैं 12:30 बजे के पहले मैं मेरा सेशन ख़त्म कर दूंगा, एक इंट्रोडक्शन सेशन. उसके बाद पास्टर यल जबराज हमारे बीच में वचन, परमेश्वर के वचन को लाएंगे और वो भी समय के पक्के हैं. और उसके बाद हम फादर के हाथ में देंगे. वो आकर हमारे बीच में परमेश्वर का जो रेमा है हमारे लिए उसे हमारे बीच में बांटेंगे. இன்றைக்கு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிற செய்திக்கு இல்லாவிட்டால் முகவரையான செய்திக்கு, இன்ட்ரோடக்ஷன் மெசேஜுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிற வசனம் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் 29 அதிகாரம் 18 வசனம். नीति वचन उसका 29वां अध्याय 18 वचन से मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ. தமிழ்ல தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்துல जनंगल सीरगट पोवारगल निरकरदे. और तमिल में ऐसा लिखा है, जहाँ पर भविष्यवाणियाँ नहीं होती वहाँ पर लोग पूरे बिगड़ जाते हैं या वहाँ पर बहुत समस्या आएगी करके लिखा है. इनके वेद तले तपो तावर करेया दे. अपने परमेश्वर के वचन में तो कोई गलती नहीं है. अनाल लेकिन भाषांतर में कुछ गलतियां हो सकती है. वेद वचन सत्य वचन, परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है. आने मोली पेयर्तवर्गल சில பிழைகளை அவர்கள் விட்டிருக்காங்க. காரணம் அவங்க மனுஷர். लेकिन उसका जब भाषांतर किया लोगों ने, उनमें लोगों ने कुछ गलती किया क्योंकि वे मनुष्य है. தேவ மனுஷர்கள் பரிசுத்தாவினாலே ஏவப்பட்டு எழுதின வேத வசனம் ஆ தேவன்தான் எழுதி கொடுத்த புத்தகம். ஆனாலும் அதை மொழிபெயர்த்த பொழுது சில பிழைகள் இருக்கிறது. और परमेश्वर ही वचन को दिया अपने आत्मा से. जब परमेश्वर ने अपने दासों को प्रेरित किया तब उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा. लेकिन जब उसका भाषांतर किया गया उसमें कुछ गलतियां हो सकती है. இந்த வசனம் ஆங்கிலத்துல இப்படி இருக்குது. ये वचन अंग्रेजी में ऐसा कहता है, Where there is no vision, people perish. और जहां पर एक विशन या क्या बोलेंगे दर्शन, जहां पर दर्शन नहीं होती वहां पर लोग नाश होते हैं. दर्शनम ना तीर्थ दर्शन अल्ल. दर्शन मतलब भविष्यवाणी नहीं. அது தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் தீர்க்க தரிசனம்னு சொன்னதுனால தீர்க்க தரிசனம் சொல்றது இல்லாட்டா சபையை சீர்கட்டு போவாங்கன்னு நினைச்சிடுறாங்க. और तमिल में ऐसा लिखा है भविष्यवाणियां, इसीलिए लोग सोचते हैं भविष्यवाणी नहीं होगी तो लोग बिगड़ जाएंगे. लेकिन उसका मतलब भविष्यवाणी नहीं है, जहां पर दर्शन नहीं है वहां पर लोग नष्ट होंगे करके लिखा है. இந்த வசனம் ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள்ல அப்படி போட்டுருக்கு, where there is no vision people perish என்பது அருமையானவர்களே ஆம்பிளிஃபைட் வெர்ஷன்ல இப்படியா எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்தோத்திரம். அவர்கள் அதை மொழிபெயர்த்தால் வெளிப்பாடு இல்லாட்டா மக்கள் निर्मूलनமாக்கப்படுகிறார்கள். और एम्पलीफाइड वर्शन में उसका ऐसा भी अर्थ लिखा है कि जहां पर दर्शन या रेवलेशन नहीं रहता है वहां पर लोग नष्ट होते हैं. एम्पलीफाइड बाइबल रेवलेशन अदया அந்த வெளிப்பாடு இல்லாத என்பதுக்கு no revelation of God and his word. आ देवने पत्रियों अवरे वसनते पत्रियों वेलिपांडे लाविटाल जनंगई सीरलिंदु बोवार्गल पर हलिंदु बोवार्गल. परमेश्वर के बारे में और उसके वचन के बारे में अगर हमें दृष्टांत नहीं मिलेगा, रेवेलेशन नहीं मिलेगा, तो वहां पर लोग नष्ट होते हैं करके लिखा है. तमिल तमिल में ऐसा लिखा है. लेकिन तमिल पल मोड़े अभी तमिल में भी बहुत सारे वर्षन आ रहे हैं. और तमिल मोड़े மக்கள் வெறித்தனமாய் ஓடுகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और जहां पर दर्शक एक तमिल में एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, जहां पर दर्शन नहीं है वहां पर लोग अपनी मनमानी करके दौड़ते हैं करके लिखा है. கட்டுப்பாட்டை இழந்து விடுகிறார்கள். और वे कोई नियंत्रण को खो देते हैं करके लिखा है. निर्वाणमाக்கப்படுகிறார்கள். और दूसरे वचन में लिखा है कि लगभग नंगे हो जाते हैं. इन्होंने मुझे पढ़ा दायवा इलंद बोना करने सोला पड़ा. और दूसरे इसमें लिखा है कृपा को खो देते हैं. वेल्ला अंदर वरे वेलिपाड़ देवने कुरुत्तम अपने वार्ते कुरुत्तम उल्ले अरे मैं वेलिपाड़ विशन इन बदे अंदर सरिया बोली इन्दु कोण्डाल अरे मैं आदि इल्ला अट्टा हमें अरे मैं उल्ले सीरे लिंदु बोई रोने तमिल बोटरके इल्ला अलिंद पेरिशन आंगिल तले अलिंद बोवंडे सोला पटर कर दो. और अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, जहां पर दर्शन नहीं है वहां पर लोग नष्ट हो जाएंगे करके लिखा है. The chosen vessel நடத்துகிற தெரிய முகாந்திரம் என்னன்னா, ये chosen vessel चुने हुए पात्र, ये सभा के पीछे का अर्थ. இது 8வது chosen vessel seminar. ये 8वां चुना हुआ पात्र की सभा है. 9வது பஞ்சாப்ல நடத்துகிறோம். और 9वीं सभा पंजाब में है. और जनवरी மாதத்துல இலங்கையில ஒரு 7-8 இடங்கள்ல chosen vessel seminar प्लान பண்ணி இருக்கிறோம். और जनवरीல और जनवरी में श्रीलंका में 8 से 10 जगह पर यही सभा आयोजित किया गया है. The chosen vessel seminar நடத்தும்படி யாரும் சொல்லவில்லை, யாரும் பணம் கொடுக்கவும் இல்லை. ये रखने के लिए, इसका आयोजन करने के लिए किसी मनुष्य ने मुझसे नहीं कहा, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए. ஆண்டவரிடத்தில் பெற்ற தரிசனம், ஆண்டவர் எனக்கு புது ஜீவனை கொடுத்தார். கடந்த வருஷத்துல ஆகஸ்ட் மாதத்துல ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது, மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக். அதுல ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுத்தார். அதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இப்படிப்பட்ட முகாம்களை நடத்த வேண்டும் என்று ஒரு அர்ப்பணத்தோடு ஆண்டவர் கொடுத்த தரிசனத்தின்படி என் வாழ்க்கையை அதற்காக அர்ப்பணம் செய்து எஞ்சியுள்ள காலமெல்லாம் சபை பாகுபாடு இல்லாமல் முழு நேர ஊழியக்காரர்கள், அவருடைய குடும்பங்கள் அல்லது அவருடைய பிள்ளைகள், இவர்களுக்கு இந்த தரிசனத்தோடு இந்த சோசன் வெசல் செமினார் நடத்தும்படியாக இப்பொழுது நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ நாக்பூரில் இன்றைக்கு நடக்க கத்தர் சித்தம் கொண்டு उंगल எல்லாருடைய உதவியை கொண்டு நடத்த உதவி செய்திருக்கிறார். और यही सभा को हम, ये कोई मनुष्य ने दिया हुआ योजना नहीं है, लेकिन मुझे 2 साल पहले एक मैसिव हृदय का हार्ट अटैक आया और परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया. और जब उसने नया जीवन दिया तब उसने मेरे दिल में एक बात को रखा कि सारे देश में जाकर सभाओं में जो लोग सेवक है उन्हें उत्साहित करने के लिए, उनके जिंदगी में एक बदलाव लाने के लिए, कोई विशेष गलिसियां बनकर नहीं पर सारे देश की गलिसियां को इकट्ठा करके उनके विश्वासियों को जमा करके उनको परमेश्वर की वचन को इस तरह से चुने हुए पात्र सभा के माध्यम से बताने में मेरे दिल में परमेश्वर ने वो बोझ रखा. எழுப்புதலுக்காக நாம் எல்லாரும் ஜெபிக்கிறோம், வாஞ்சிக்கிறோம். और रिवाइवल के लिए हम में से बहुत से लोग प्रार्थना भी नहीं करते. ஆண்டவரின் உள்ளத்திலே சொன்னது என்னன்னா, எழுப்புதல் அகில உலக எழுப்புதல் வர வேண்டும், தேசத்தில் எழுப்புதல் வர வேண்டும், மாநிலத்தில் எழுப்புதல் வர வேண்டும், சபைகளிலே பட்டணங்களில் எழுப்புதல் வர வேண்டும், சபைகளிலே எழுப்புதல் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அது முதலாவது தேவனுடைய ஊழியர்கள், சபைக்கு தேவன் கொடுத்த மினிஸ்ட்ரி கிஃப்ட்ஸ், அப்போஸ்தலர்களுக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் சுவிசேஷகர்களுக்கும் மேய்ப்பர்களுக்கும் போதகர்களுக்கும் இந்த 5 வித தேவனுடைய வரங்களாக சபைக்கு தேவன் கொடுத்த ஐந்து வித ஊழியர்களுக்கு குடும்பத்தில் தான் துவங்க வேண்டும். அந்த தேவனுடைய ஊழியக்கார குடும்பத்தில் துவங்கினால் அது சபையில் பற்றி பிடிக்கும், சபையை பற்றி பிடித்தால் பட்டணத்தை பற்றி பிடிக்கும், பட்டணத்தை பற்றி பிடித்தால் மாவட்டத்தை மாநிலத்தை பற்றி பிடிக்கும், மாநிலத்தை பற்றி பிடித்தால் தேசத்தில் எழுப்புதல் வரும். அதற்கு ஆரம்பம் ஒரு ஊழியக்கார முழு நேர ஊழியர்கள், அப்போ சிலரோ தீர்க்கதரிசியோ சுவிசேஷகரோ மெய்ப்பரோ போதகரோ அவருடைய குடும்பத்தில் துவக்க வேண்டும் என்ற விஷனை பாரத்தை எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்ததுனால தான் இதை சோசன் வெசல் செமினார் நாங்கள் ஆண்டவர் கொடுத்த தரிசனத்தின்படி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். और अगर रिवाइवल आना चाहिए तो सबसे पूरे देश में आना जरूरी है, महाराष्ट्र प्रांत में आना जरूरी है, नागपुर में आना जरूरी है, हर गलीशिया में आना जरूरी है. लेकिन वो वैसे नहीं आता है, लेकिन वो सबसे पहले सेवक लोगों के परिवार में वो 5 तरह की सेवकाइयाँ, भविष्यवाणी करने वाले, परमेश्वर के वचन को बांटने वाले, अपोस्टल और वो 5 तरह की सेवकाई करने वाले लोग जब अपने परिवार में ये 5 तरह की सेवकाई शुरू होगी तभी देश में एक रिवाइवल आएगा करके परमेश्वर ने मुझसे कहा. हालेलुया हालेलुया. थैंक यू फॉर द गुड ट्रांसलेटर. நான் நேரத்துக்காக தான் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக பேசாமல் கொஞ்சம் அதிகம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே பாஸ்டர் குலோ துங்கன் சொன்னது போல் ஒரு 7 குறிப்பு विषय कुछ और 7 पॉइंट मात्र सोली करेक्टा मुड़चुए. और मैं दर्शन के बारे में 7 चीज़ों को कहकर मेरे समय में मैं ख़त्म कर दूंगा. इन दर्शनते कत्तर कोडतो पड़े जब परमेश्वर ने मुझे इस दर्शन को दिया. फादर बर्गमैन சொன்னாங்க அவர் என்ன அண்ணன்னு சொல்வாரு, அண்ணன் நானும் இந்த விஷயத்துல சேர்ந்து கொள்கிறேன் அப்படினு சொன்னாரு. और जब परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया तब फादर बेगमन से मैंने बांटा तो उन्होंने कहा भाई, वो मुझे भाई बोलकर पुकारते हैं, भाई मैं भी इस दर्शन में जुड़ जाना चाहता हूं. இங்க அமர்ந்திருக்கிற பாஸ்டர் எல் ஜெபராஜ், பாஸ்டர் கை வில்லியம், என் மகன்கள் பாஸ்டர் கிளாடி பால், பாஸ்டர் சாக் ராபர்ட், என் மருமகன் ஜேக்கப் செல்வின், இவங்கெல்லாம் இந்த தரிசனம் அங்க குடும்பம், என் மனைவி, என் பிள்ளைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டுதான் இந்த கர்த்தரிடத்தில் பெற்ற இந்த தரிசனத்தை ஊழியத்தை நிறைவேற்றுகிறோம். இதை நிச்சயமாக நிறைவேற்றி முடிக்க கர்த்தர் உதவி செய்வார் என்று விசுவாசிக்கிறோம். உங்களுடைய ஜெபம் எங்களுக்கு தேவை. और जब मैं और इसी तरह भाई पास्टर कैवल्यम, पास्टर जबराज और मेरे बेटे और भाई जेकब और सब लोग हम पारिवारिक पूरा परिवार मिलकर इस परमेश्वर की दर्शन को पूरा करने में जुड़ गए. இதுக்கு எப்படி chosen vessel seminar அப்படினு பேர் வச்சிருக்கங்க, ஏன் வச்சிருக்கங்க அப்படினு கேட்டா ஆண்டவரிடத்திலே நாங்கள் கேட்ட பொழுது அப்போஸ்தலர் 9:15 வசனத்தை காண்பித்தார். और इसका नाम मैं हमने क्यों चुने हुए पात्रों का सभा करके रखा, क्या मैंने परमेश्वर से इसका नाम पूछा था, परमेश्वर ने मुझे प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 15वां वचन को दिखाया. அங்கே அனனியாவுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார், பவுலிடத்து அப்போஸ்தலனுக்கு அனுப்பும் பொழுது ஐயோ அவன் பயங்கரமான ஆளாச்சே அவன்கிட்ட எப்படி போவேன்னு சொன்ன பொழுது பவுலை குறித்து அனனியா என்ற சீஷனுக்கு கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை தான் அவன் நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமா இருக்கிறான். और जब अननिया पौलुस से डर रहा था और जब परमेश्वर से बोल रहा था कि मैं उसके पास कैसे जाऊं, वो तो मसीह लोगों को सता रहा है, मार रहा है, तब परमेश्वर ने उससे उत्तर दिया वो मेरा चुना हुआ पात्र है. நீங்க எல்லாரும் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரங்கள். आप सब परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं. पौल अपोस्टल मात्र அல்ல, सिर्फ पौलुस नहीं. யாராவது ஒருத்தர் பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சி बाजू में जो बैठा है उनके हाथ मिलाइए. அவங்க முகத்தை பார்த்து और उनके चेहरे को देखिए. சிரிச்ச முகத்தோட और हंसते हुए बोलिए நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம் சொல்லுங்க. और उन्हें बोलिए आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं. நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம். आप परमेश्वर से चुने हुए पात्र हैं. हालेलुया हालेलुया. இது முதலாவது நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளணும். इसे पहले तुम्हें जानना है नाम देवन तेरंदुकोंड पात्रमा क्या मैं परमेश्वर का चुना हुआ पात्र हूँ निश्चयमा इंगल देवनाल अழைக்கப்பட்டிருந்தா देवन तेरंदुकोंड पात्रदा निश्चय रीति से अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं ஆண்களும் பெண்களும் ஆண்களும் பெண்களும் मनुष्य और स्त्री पास्टरों पास्टर மனைவியும் पास्टर और उसकी उनकी पत्नी चला पास्टर बोल रहे हैं कत्तर ये ने उल्लिखित करा चारे युवा ये ने वर समय कारी युवा लायक नहीं अब इन्हें चलर पास्टर से मानवीय मटन दट रहा और कुछ पास्टर लोग वो बोलते हैं मुझे तो परमेश्वर ने चुना है लेकिन ये मेरी पत्नी तो खाना बनाने के लिए परमेश्वर ने दिया कुछ काम की नहीं है बोलकर उन्हें नीचा दिखाते हैं और सत्य तो सोलटुमा लेकिन आपको एक सत्य बताओ नींगल देवनाल तेरंदुकोंड पात्र हो ना अगर तुम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो उनको मानवीयों देवनाल तेरंदुकोंड पात्र हो तो तुम्हारी पत्नी भी परमेश्वर से चुनी हुई पात्र है पुल्लेगललां देवनाल तेरंदुकोंड पात्र हैं तुम्हारे बच्चे सब परमेश्वर से चुने हुए पात्र है आई नलदा मुल्लेनेरा ऊल्गेरुल्डिये कुडुम्बा एलुप्पदल मुगाम என்று பரிசா இருக்குதுனால தான் அத ஷார்ட்டா chosen vessel seminar ரெண்டு நாங்க அப்படி போடுறோம் और पूरी रीति से सेवकाई करने वाले लोगों और उनके परिवारों की सभा इतना बड़ा सेंटेंस है इसी को हमने छोटा करके आत्मिक संभा करके रखा अनेक पास्टर குலோத்துங்கன் எம்இஎம் உடைய जनरल सेक्रेटरी சொன்னது போல अनेक தெரியாது எனக்கு 7 என்ற எண் ரொம்ப அலாதி பிரியம் और जैसे एमबीएम के सेक्रेटरी पास्टर कुलोतुंगन ने कहा मुझे ये 7वां नंबर बहुत पसंद है நாங்க நேத்து ஏர்போர்ட்ல மதுரையில மீட் பண்ணும்போது நாங்க काउंट इतने बार परवटों ना 7 बार परवटों और कल जब हम एयरपोर्ट में मदुरई से निकले तब हम कितने लोग निकले 7 लोग परवट தேதியும் 17 और जो तारीख को हम निकले वो भी 17 था उसमें भी 7 आ गया नंबर और ये जो 7 नंबर है वो मेरे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि मेरा जन्म भी 1947 में हुआ कल्याणम பண்ணதும் जून 7 और मेरी शादी भी जून तारीख के 7वें दिन को हुआ கல்யாணம் பண்ண புதுசுல மனைவிட்ட சொன்னேன் கத்தர் நமக்கு 7 ரொம்ப பிடிக்கும்னு தான் முதல்ல சொன்னேன் और सबसे पहले तो शादी के बाद मैंने मेरे पत्नी से कहा मुझे 7 नंबर बहुत पसंद है अपन சொன்னே அதனால என்னன்னு கேட்டாங்க और उसके बाद उन्होंने पूछा उसका मतलब क्या बोल रहे आप கத்தர் நமக்கு 7 பிள்ளைகளை கொடுத்தா நலமா இருக்கும்னு சொன்னேன் तब मैंने कहा परमेश्वर अगर मुझे 7 बच्चे देगा तो बहुत अच्छा है என் மனைவி அதை ஏற்றுக்கொள்ளல मेरे पत्नी तो उसे स्वीकार नहीं की लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरी इच्छा को स्वीकार किया சரி 5 பெண் பிள்ளைகள் 2 ஆண் பிள்ளைகள் और मुझे 5 लड़की और 2 बेटे हैं मेरे 5 लड़कियां और 2 बेटे हैं मेरे 14 பேர பிள்ளைகள் और 14 grandchildren 14 और नाते पोते 8 பேத்தி 6 பேரன் 8 लड़कियां और 7 बच्चे मतलब grandchildren நாங்க குடும்பமா ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறோம் அர்ப்பணித்திருக்கிறோம் और पूरी परिवार के साथ परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं और उसके लिए हमने अर्पित किया அதனால இன்னைக்கு நமக்கு இருக்க வேண்டிய தரிசனம் ரெவெலேஷன் முக்கியமா 7 காரியங்களை குறித்து சொல்ல போறேன் முதலாவது அந்த அதுக்கு ஆதாரமான வேத வசனங்கள் வாசிக்க நேரம் இல்ல ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 8 வசனங்களை வீட்டில் போய் வாசித்து கொள்ளுங்கள் यशाया नबी का पुस्तक उसका 6वां अध्याय पहले वचन से 8वें वचन तक आप सबसे पहले हम पढ़ने के लिए समय नहीं आप घर में जाकर पढ़ लीजिए उसिया राजा मरणम அடைந்த வருஷத்திலே உன்னதமான சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்க கண்டேன் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ஒரு தரிசன ரெவெலேஷன் நமக்கு வந்துச்சு அந்த அதை ஆதாரமாக வைத்திருந்த 8 வசனங்களை கொண்டு நான் 7 குறிப்புகளை சொல்ல போறேன் முதலாவது विजन अबाउट गॉड यशाया नबी जो साल उसिया राजा मरा उस साल वो परमेश्वर की दर्शन करता है और वो 8 वचनों से मैं 7 पॉइंट में आपके बीच में बात करना चाहता हूँ सबसे पहला परमेश्वर की और परमेश्वर का दर्शन உங்களுக்கு உட்கார்ந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பத்தி நான் கையை பிடிச்சு சொல்லலாம் கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர் அந்த தேவனை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடு உங்களுக்குள்ள இல்லாட்டா நீங்க சீரழிந்து போவீர்கள். और मैं सबसे पहले तो मैं आप में से हर एक से हाथ मिलाकर मैं कह सकता हूं जो परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है और उसके बारे में आपका दर्शन सीधी तरह से उसके बारे में आप अच्छा दर्शन आपका नहीं है तो आप लोग बिगड़ जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे. யோபு போல என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார், பவுல போல நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் என்று உங்களை அழைத்த தேவனை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடு உங்கள் ஆவியில் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर का दर्शन हमारे मन में सही तरह से होना चाहिए. जिस तरह से अय्यूब को था कि मेरा प्रभु सब कुछ जानता है और जिस तरह पौलुस के हृदय में था कि मेरा प्रभु विश्वास योग्य है. विश्वास वीरர்கள் பெரிய மகா அரும்பெரும் காரியங்களை சாதித்த மிஷனரிகள் தேவ மனிதர்களுக்கெல்லாம் இந்த வெளிப்பாடு இருந்ததுனால சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ தானியேல் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அவங்கெல்லாம் அரும்பெரும் காரியங்களை சாதிக்க காரணம் அவங்களுக்கு அந்த வெளிப்பாடு இருந்தது. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன், நாங்கள் நம்பி இருக்கிற தேவன், நாங்கள் விசுவாசித்திருக்கிற தேவன் இன்னார் என்ற வெளிப்பாடு. और मैं जो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ वो कैसा है उसका दर्शन परमेश्वर के हर विश्वास के पिता जिन्हें जो हमें कहते हैं जो हमारे देश में बड़ी बड़ी सेवकाई किए वो सब लोगों के दिल में ये दर्शन जो परमेश्वर कैसा है वो व्याख्यात या वो दर्शन उनके जिंदगी में सही तरह से था. इतने बार என்னோட ஒத்துக்கொள்றங்க my god will never ever commit a mistake. कितने लोग मेरे साथ कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर कभी गलती नहीं करता. ऑलमोस्ट எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டங்க, सब लोग कह सकते हैं. इतने बार ஒத்துக்கொள்றங்க என் தேவன் என்னை அழைத்த தேவன் ஒரு இமை பொழுது கூட என்ன மறக்க மாட்டார் அப்படிங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறங்க. कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर ने मुझे चुना है वो मुझे चुटकी भर भी नहीं भूलेगा. அது அந்த வெளிப்பாடு இல்லாதனால தான் சில ஊழியக்காரர் சொல்றாங்க ஆண்டவர் எங்களை மறந்துட்டாருங்க, என் குடும்பத்தை மறந்துட்டாரு, என் பிள்ளைகளை மறந்துட்டாருன்னு புலம்புறாங்க. காரணம் இந்த வெளிப்பாடு இல்லை. क्योंकि बहुत से लोग ऐसा चिल्लाते हैं परमेश्वर ने मेरे परिवार को भूल गया, मेरे बच्चों को भूल गया परमेश्वर. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके दर्शन में परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान नहीं है. तमिल और पाटर के जेकब और सरना पाड़ी रोमा मरवार येसु मरवार और इमै पोळुदु ट्विंकिलान ऑफ एन आई और कण्णे सिमिट्र नेरम कूड मरक्क माट्टाराम. और तमिल में गाना कहता है नहीं भूलेगा यीशु, नहीं भूले प्रभु, नहीं भूलेगा एक चुटकी भर या आँख फड़कने के समय तक भी वो नहीं भूलेगा. हालेलुया हालेलुया. அந்த பாட்டில் ஒரே ஒரு சரணத்தை நான் பாட விரும்புகிறேன். எனக்கு பாடுற இனிமையான தொண்டை கிடையாட்டாலும் அந்த அபிஷேகத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்காரு. அந்த ஒரே ஒரு சரணம் பாட போகிறேன். தரிசனம் தந்தவர் மறவார், தாங்கியே நடத்திட மறவார். और ये गान मुझे मेरा स्वर तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो अभिषेक दिया है इसीलिए मैं गा सकता हूँ. ये गाना कहता है जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो मुझे नहीं भूलेगा, जो परमेश्वर ने मुझे जाना है वो मुझे नहीं भूलेगा. पाट तमिल तेरलेना अन्य भाषा लिए हम बनी पाट गए. और अगर तमिल आपको नहीं मालूम है तो अन्य भाषा में हम करके आप भी गा सकते हैं. अंदर पाट जोड़े कारुतन ना और सोडक போடுற நேரம் கூட உங்களை ஆண்டவர் மறக்க மாட்டாரு. ये गाने का यही मतलब है कि एक चुटकी भर का समय के लिए भी परमेश्वर तुम्हें नहीं भूलेगा. जीसस मरवा येसु मरवा येसु मरवा இமை பொழுதிலும் உன்னை மறவா மறவா இயேசு மறவா உன்னை உருவாக்கிய இயேசு மறவா. சேர்ந்து பாடுங்க பாப்போம். गाइए मिलकर இயேசு மறவா இயேசு नहीं भूलेगा இமை பொழுதிலும் உன்னை மறவா चुटकी भर नहीं भूलेगा மறவா यीशु मरवा यीशु नहीं भूलेगा उन्ने उर्वा किए यीशु मरवा दर्शनम तंदवर मरवा तांगिए नडतिड मरवा दर्शनम तंदवर मरवा तांगिए नडतिड मरवा ये पक्कम निरंगे उन्हें सूंडिटा இப்போ தயவுசெய்து எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. நாங்கள் தமிழில் பாடும் பொழுது அதே அர்த்தத்தில் இந்தியிலேயோ மராட்டிலேயோ பக்கத்தில் உள்ளவங்க கையை பிடிச்சி முகத்தை பார்த்து உங்களை மறக்க மாட்டாருன்னு நீங்கள் சொல்லணும். இந்த நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு ப்ரொஃபெட்டிக் வார்த்தையாக இருக்கணும். வாழ்நாளெல்லாம் அதை அவங்க மறக்கக்கூடாது. என்ன ஏசப்பா ஒரு இமைப்பது கூட மறக்கலை அப்படிங்கிற சத்தியத்தை அவங்க மறக்கக்கூடாது. அபி ஹமாரே சாத் சஹயோக் கீஜியே. अब जब हम ये गाने को गाएंगे, ये गाने का मतलब है परमेश्वर यीशु मुझे चुटकी भर भी नहीं भूलेगा. इस बात को तुम्हें अपने बाजू में जो बैठा है उसे हाथ मिलाकर कहना है, चुटकी भर तुम्हें यीशु नहीं भूलेगा. जब हम इस गाने को गाएंगे तब उसे कहिएगा और इतना जोर से, इतना ठीक तरह से उन्हें कहना कि वो बात को वो अपने जिंदगी भर चुटकी भर नहीं भूलेंगे. एक व्यक्ति के हाथ को मिलाइए. अगर दोनों तरह हाथ मिलाएंगे तो किसी को भी नहीं देखेंगे. और हाथ को मिलाइए और चेहरे को देखिए. पाड़ेंगे दर्शनम तंदवर मरवा और उन्हें देखकर बोलिए जिसने दर्शन दिया है वो तुम्हें नहीं मरवा சொல்லுங்க தரிசனம் தந்தவர் மரவா தாங்கியே நடத்திட மரவா எப்பக்கம் நெருக்கங்கள் உனை சூழ்ந்திட்டார் எலியாவின் தேவன் உன்னை மரவா எப்பக்கம் நெருக்கங்கள் உனை சூழ்ந்திட்டார் எலியாவின் தேவன் உன்னை மரவா எலியாவின் தேவன் உன்னை மரவா எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுங்க சப் மில்கர் बोलिए यीशु मरवा और इमै पोळुदिलुम उन्नै मरवा मरवा यीशु मरवा उन्नै उरुवाकिये यीशु मरवा आमेन आमेन தேவனை குறித்த தரிசனம் பரமேஸ்வர் के बारे में परमेश्वर का सही दर्शन அவர் தப்பு செய்யவே மாட்டாருங்க. वो कभी गलती नहीं करेगा. உங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் அதை நன்மைக்காக மாத்துகிறவர்தான் நம்முடைய நல்ல தேவன். और तुम्हारे जिंदगी में जो भी हो उसे अच्छा के लिए बदलने वाला हमारा प्रभु है. இந்த வெளிப்பாடு இருந்தா अगर ये दृष्टि तुम्हारे जिंदगी में होगी, अगर ये दर्शन या ये दृष्टि तुम्हारे जिंदगी में होगी தேவனை பத்தி குறை சொல்ல மாட்டேங்க. परमेश्वर को कभी आप ये नहीं करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं. मानवी कणवने குறித்து குறை சொல்ல மாட்டேங்க. और पति अपने पत्नी के विषय में कुड़कुड़ाएगा नहीं. उंगा पास्टर पतियो இல்லடா உங்க லீடர் பத்தியும் குறை சொல்ல மாட்டேங்க. और अपने पास्टर के बारे में, अपने लीडर के बारे में नहीं कुड़कुड़ाएंगे. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு செய்கிறவர். क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ अच्छे के लिए करने वाला परमेश्वर है. இந்த செமினார்ல வெளிப்பாடு இல்லாதவங்க अगर ये दर्शन, ये दृष्टि को आपने आज तक प्राप्त नहीं किया तो आज प्राप्त करिए। अगर आज उसे दोबारा परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में जागरूक कर रहा है कि परमेश्वर अच्छा करता है और सही करता है, वो दृष्टि को परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में आज जागरूक करे। रेंडावद विजन अबाउट अस, और दूसरा हमारे अपने बारे में दर्शन, नम्मे कुरुत और दर्शन, और अपने खुद के बारे में या अपने खुद के बारे की दृष्टि। कत्तर यानी यदर का गालितार, परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया है, नान यन्ने चाहिए बनोने कत्तर विरुम्बगरार, परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। यू आर यूनिक, यू आर वेरी स्पेशल, देयर इज नो वन लाइक यू इन दिस वर्ल्ड। आपके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, तुम यूनिक हो और तुम विशेष हो। नी पास्टर जबराज और बाइबल स्टडी सुना रहे आंडवर उंगलता उन्नता अड़ेगिरार, और पास्टर जबराज ने एक बाइबल स्टडी में कहा परमेश्वर तुम्हें बुलाता है। और बाला वसनंगले कामचार नी नी यू आर ए चोसन वेसल, और आई हैव चोसन यू, और आई हैव कॉल्ड यू, आई हैव ऑर्डर्ड यू, आई हैव अनॉइंटेड यू। और परमेश्वर कहता है मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे पुकारा है, मैंने तुझे अभिषेक किया है और मैंने तुझे अपने लिए उठाया है। नम्मे कुरुते नमक और दर्शन वेणुम, अपने बारे में हमें सही दृष्टि रखना चाहिए। इतने वर्ष इन मूणु नाट्किलो नांगे सोल रहे इल्ला सत्यंगलो इन द एळु विषयन अडिपडैयिल तान इरुक्कुम। और ये 3 दिनों में हम जो भी कहेंगे ये इन बातों पर ही आधारित होगा। मूणावदु विजन अबाउट द पीपल, और तीसरा लोगों के बारे में सही दृष्टि हमें रखनी चाहिए। यशाया देवनै दर्शितार, यशाया ने परमेश्वर की दृष्टि दर्शन किया। அதுக்கு முன்னால எல்லாம் 1 அதிகாரம் 2 அதிகாரம் ஏசாயாவுல அவனுக்கு ஐயோ இவனுக்கு ஐயோ ஓ unto you அப்படினு சொன்னவரு 6 அதிகாரத்தை எனக்கு ஐயோண்டார்। और पहले दूसरे अध्याय में जो यशाया ने तुम्हारा हाय इनका आय उनका हाय करके जिसने कहा, वो चौथे अध्याय में परमेश्वर की दर्शन करने के बाद कहता है मेरा हाय हो जाएगा। मैं अशुद्ध जीव वाला आदमी हूँ। देव मनुष्य तुम परमेश्वर के दास हो, आनालू मनुष्य, और वो भी तुम्हें उसके साथ ही तुम्हारे ये भी जानना है कि तुम भी एक साधारण मनुष्य हो। இந்த வெளிப்பாடு வந்து நான் இங்க தேவ தூதன் இல்ல, मैं एक स्वर्गदूत नहीं हूं, பாவம் செய்யாம இருக்க கூடிய சின் ப்ரூஃபா இல்ல, मैं बिना पाप किए ना एक बहुत पवित्र जिंदगी अति पवित्र जिंदगी नहीं जी सकता। எனக்கு பேதுரு அப்போஸ்தலன் कैरेक्टर ரொம்ப பிடிக்கும், एक पत्रस का एक चरित्र स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। கொர்நேலியு வீட்டுக்கு தேவன் சொல்லி போன பொழுது கொர்நேலியு செஞ்சுரியன் அவன் கால்ல விழுந்துட்டான்। और पत्रस जब कोर्नेलियुस के घर जाता है, जब जैसे कोर्नेलियुस पत्रस को देखता है तो उसके पैरों में गिर जाता है। तुरंत पत्रस क्या कहता है, नान और मनुष्यदान, तुरंत पत्रस कहता है मैं भी तेरे जैसा एक मनुष्य हो। एलिया तीर्कदर्शी இருந்தாலோ, एलिया एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। याकूब 5 वेद என்ன சொல்லுது, लेकिन याकूब का पुस्तक उसके 5वें अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, தேவனுக்காய் பெரிய 7 அற்புதங்களை நடப்பித்த பெரிய தீர்க்கதரிசி, और परमेश्वर के लिए कई चिन्ह चमत्कार करने वाला बहुत बड़ा भविष्यवक्ता। எலியாவை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுது, और उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, அவனும் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷன், उसका परमेश्वर का वचन कहता है वो भी हमारे जैसा एक साधारण पीड़ित मनुष्य था। देवनाल तेरंदु गुलपट्टा पात्रंगले, परमेश्वर से चुने हुए पात्रों, नींगल देवनाल तेरंदु गुलपट्टा वर्गे, तुम परमेश्वर से चुने हुए लोग हो, आना नींगलो मनुष्य दां, लेकिन तुम भी साधारण मनुष्य, नींगलो मनुष्य दां, तुम भी साधारण मनुष्य है। चलो पास्टर्स वाइफ्स बोल रहे हैं, कोई पास्टर की पत्नी पत्नियां ऐसे कहते हैं, कल्याण मनद कुमुन्नाल அந்த பாஸ்டர் என்னமோ தேவன் மாதிரி இல்ல தேவதூதன் மாதிரி நினைச்சிருப்பாங்க। और शादी के पहले उस पत्नी ने उस पास्टर या उनके पति के बारे में शादी से पहले सोचा होगा कि वो एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत है। அவங்க தேவன்னு நினைப்பு, ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னமோ ஆண்டவர்னு நினைப்பு, और पति स्वयं परमेश्वर जैसे करके उन्होंने सोचा होगा। सारा आब्राहम ஆண்டவன்னு சொன்னா, सारा ने अब्राहम को मेरा स्वामी करके पुकारा और आंडवर தான் நீங்க சொன்னாலும் சொல்லட்டாலும் உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கு ஆண்டவர் தான் और तुम बोले या ना तुम्हारा पति तुम्हारे लिए स्वामी ही है ஆனா அவருக்கு எல்லாம் தெரியாது அவருக்கு எல்லாம் தெரியாது लेकिन उसे सब कुछ नहीं मालूम he is not omniscient वो सब जगह नहीं रह सकता सब कुछ नहीं मालूम इतना मानवी சொல்லிருக்காங்க நீங்க எல்லாம் சொல்லிருப்பீங்க ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியும் तो और कितने पत्नी यहां पर अपने पति को बोले होंगे உங்களுக்கு இது தெரியாதா तुम्हें क्या ये नहीं मालूम मैं आपसे कहता हूं क्या आपके पति परमेश्वर है मानवी निकल पति सोचती है मेरे पत्नी सोचती है मेरे पति को सब कुछ मालूम है मरंदरांगे मनुष्यन मनुषि पास्टर्स उंग मानवी நீ பயங்கரமா ஜெபம் பண்றேன்னு நினைச்சிட்டா உன் ஜெபத்தை பார்த்து நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணேன் ஆனா இப்போதான் தெரியுது நீ மனுஷின்னு அவங்க மனுஷி தாங்க அத மனுஷியா நீங்க பார்த்தா தான் நீங்க சந்தோஷமா இருக்க முடியும் और बहुत से पत्नी भी पास्टर लोग भी अपने पत्नी से कह सकते हैं कि मैंने तो देखा था तू शादी के पहले बहुत प्रार्थना करती थी मैंने तो वो सोचकर मैंने शादी किया लेकिन अब तो बोले रे ये ज्ञान करो कि वो भी साधारण मनुष्य या स्त्री ही है மூணாவது விஷயம் நான்காவது அஞ்சாவது ஆறாவது ஏழாவது 5 நிமிஷத்துக்கு நான் முடிச்சிடுறேன் மூணாவது விஷயம் ஜனங்களை குறித்த விஷயம் तीसरा अपने लोगों के बारे में सही दर्शन ஏசாயாவுக்கு கிடைச்சது ஏசாயாவுக்கு ये मालूम था நீர் உன்னதமானவர் நீர் பரிசுத்தர் அந்த விஷயனை பெற்ற அவரு நான் அசுத்தரோட உதடுள்ள மனுஷன் மாத்திரம் இல்ல அடுத்தால சொல்றாரு நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷர் மத்தியில வாசம் பண்ணுகிறவன் और अपने लोगों के बारे में सही दृष्टि वो यशाया कहता है तीसरा वो कहता है प्रभु मैं तो अशुद्ध जीव वाला आदमी हूं और अशुद्ध जीव वाले लोगों के बीच में मैं वास करता हूं அழிந்து போற ஆத்துமாக்களை குறித்து மனுஷரை குறித்து उनको दर्शन वेणु और मनुष्यों के बारे में या आत्माओं के बारे में भी तुम्हें एक सही दर्शन रखना है உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற மந்தை இல்ல விசுவாசிகள் ஆடுகள் அவங்களை குறித்து நீங்க ஒரு தரிசனம் இருக்கணும் அவங்களும் குறைவுள்ளவர்கள் தான் और तुम्हें जो परमेश्वर ने तुम्हें भेंट दिए हैं या तुम्हें जिनका चरवाहा बनाया है उनका तुम्हें सही दर्शन रखना होगा और पास्टर சொன்னாரு एक पास्टर ने ऐसा कहा पास्टर विश्वासी विश्वासीன்னு சொல்றாங்க சில விசுவாசிகள் வெச ஊசியா இருக்கன்ற பாஸ்டர் அப்படினாரு पास्टर ने வெச ஊசி पॉइजनस इंजेक्शन पास्टर ने कहा ये मेरे गलीशिया के विश्वासी लोग जहरीले इंजेक्शन की जैसे जहरीले हो गए विश्वासी वेस ஊசி और अंग तमिल में आता है विश्वासी यानी विश्वास करने वाला वेस ஊசி यानी जहर की सुई पास्टर्स நான் சொல்றேன் पास्टर से मैं कहता हूं நோவா பேழைக்குள்ள இருந்தது போல நோவா ने जैसा एक नाव बनाया சிங்கம் இருக்கும் பசுமாடு இருக்கும் கரடி இருக்கும் ஓநாய் இருக்கும் ஆட்டுக்குட்டி இருக்கும் और जैसे उस नाव में सब आए सिंह आए बकरी आई भेड़ आई सब आए वैसे ही आपके गलीशिया में भी सब तरह के लोग होंगे இந்த தரிசனத்தோடு தான் சபையை நடத்தணும் इस दर्शन से ही आपको गलीशिया चलाना है இந்த ஆளு சிங்கமா இருக்காரு புடிச்சு தூக்கி சபையை விட்டு வெளிய தூக்கி போட்றோம்னு நினைக்க கூடாது और ये मत कहना कि ये आदमी सिंह जैसा है इसीलिए इसका गला पकड़कर मैं इसे बाहर फेंक दूंगा நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் இயேசு சொன்னாரு பாருங்க நீ எனக்கு தந்த ஒருவரே கூட நான் இழந்து போகல और जैसा यीशु ने कहा कि आपने जिन्हें मुझे दिया उनमें से एक भी व्यक्ति को मैंने नहीं खोया கொலோசியர் 1:28 29ல பவுலுக்கு இந்த தரிசனம் இருந்தது எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக தேர்னவனா நிறுத்தும்படிக்கு எந்த மனுஷனுக்கும் புத்தி சொல்லி எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோட உபதேசம் பண்ணுகிறோம் और கொலோசியோ का पुस्तक 3 अध्याय 27वें 28वें वचन में पौलुस को यह ज्ञान था कि मैं हर मनुष्य को ऐसा प्रचार करूं कि वे दूसरे को सभा में लाएं और सही तरह से उसे परख कर सही जगह पर उसे रखे नालाव दर्शनम और चौथा दृष्ट विजन अबाउट योर फैमिली आपकी परिवार के बारे में आपका दृष्टि क्या है आपका दर्शन क्या है पॉइंट ना விட்டுறேன் பாஸ்டர் ஜெபராஜ் எடுத்துருவார் போ ये पॉइंट को मैं छोड़ देता हूं पास्टर जबराज इसके बारे में और बताएंगे ஐந்தாவது विजन अबाउट द चर्च और पांचवा तुम्हारे गलीशिया के बारे में तुम्हारा दर्शन ஆண்டவர் कट्टी कोंडिरुक्किर सभै और परमेश्वर जो गलीशिया बना रहा है उसका सही दर्शन उंग आलयते नींगे कट्टी मुडिचिरुक्कलाम बिल्डिंग है और तुम्हारे बिल्डिंग को तुमने गलीशिया के बिल्डिंग को तुमने बनाकर रख दिया होगा आना आंडवर येसु लेकिन परमेश्वर यीशु तम्मुடைய शरीरமாகிய சபையை उसके शरीर यानी उसकी गलीशिया को भूमिயிலே கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் उसकी गलीशिया को वो हर रोज यीशु बना रहा है இலக்கணத்துல கடந்த காலல்ல present continuous he is being built God is building his church not he has built his church he is building his body in this world ऐसा नहीं कि उसने उसकी गलीशिया को पूरी तरह से बना दिया भूतकाल में नहीं है वो वर्तमान काल और भविष्य काल में है बना रहा है और बनाएगा இந்த சபையை ஆண்டவர் கட்டி முடிக்கல இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன்னு மத்தேயு 16 ல ஆண்டவர் சொன்னவர் இந்த பூலோகத்துல கட்டி கொண்டிருக்கிறார் அதை எபேசியர் 3 அதிகாரத்திலேயும் 1 பேதுரு 3 அதிகாரத்திலேயும் மிக தெளிவா இருக்குது கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் மத்தி रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में जिसने कहा कि इस पत्थर के ऊपर मैं अपने गलीशिया को बनाऊंगा वो इफिसियो के पुस्तक उसका इफिसियंस रेफरेंस थर्ड चैप्टर इफिसियों का पुस्तक उसका तीसरा अध्याय पहला वचन और फर्स्ट पीटर और पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसमें परमेश्वर कहता है कि वो गलीशिया को बना रहा है पौलुम पेदरुम அதே பதத்தை யூஸ் பண்றாங்க கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் और पौलुस और पत्रस दोनों उस पद का इस्तेमाल करते हैं गलीशिया बना रहा है ஆறாவது தரிசனம் और छठवां दृष्टि எழுப்புதலை குறித்த தரிசனம் और रिवाइवल का दर्शन அந்த காலத்தை குறித்த தரிசனம் इस समय का दर्शन एंड टाइम रिवाइवल குறித்த தரிசனம் अंत के समय की रिवाइवल का दर्शन रिवाइवल इज कमिंग रिवाइवल आ रहा है इतने பேர் ஆமோதிக்கிறங்க कितने பேர் इसे हां कहते हैं इतने अने பாதிக்கு மேல விசுவாசிக்கலையா और कितने लोग कहते हैं रिवाइवल आ रहा है यस अपा वर्ल्ड बिफोर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड देयर इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड वाइड रिवाइवल कितने लोग इसे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले दुनिया भर में एक बहुत बड़ा रिवाइवल होगा அதனால அந்த கேம்புக்கு நாங்க பேர் வைக்கும் பொழுது full time ministers pastors and evangelists family revival seminar और हमने वही इसका प्रांत भी दिया था कि रिवाइवल की सभा करके Chosen Vessel Seminar க்கு அது எக்ஸ்பான்ஷன் அதுதான் full time ministers family revival seminar और पूरी तरह से सेवकाई करने वालों का पारिवारिक परिवार में रिवाइवल எழுப்புதல் रिवाइवल निश्चय வரும் जरूर आएगा நீங்க விசுவாசித்தாலும் விசுவாசிக்கட்டாலும் வரும் अगर आप विश्वास करेंगे या ना वो जरूर आएगा விசுவாசித்தா எழுப்புதல்ல பங்கு பெறுவங்க अगर विश्वास किए तो उस रिवाइवल में आपका भाग होगा और விசுவாசிக்காட்டா நீங்க பங்குதாரரா இருக்க மாட்டீங்க பார்வையாளரா ஒருவேளை இருக்கலாம் और विश्वास नहीं करेंगे तो उसमें भाग्य तो नहीं लेंगे लेकिन उसको अपने आंखों से देखेंगे எழுப்புதல்ல யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கறாங்க அவங்கலாம் பார்ப்பார்கள் कितने लोग विश्वास करते हैं वो उस रिवाइवल में भाग लेंगे நான் விசுவாசிக்கிறேன் நிச்சயமா பார்க்காம சாக மாட்டேன் मैं विश्वास करता हूं रिवाइवल देखे बिना मेरा जीवन नहीं जाएगा रिवाइवल इज कमिंग रिवाइवल आ रहा है you must be a partaker in that revival आपको उस रिवाइवल में भागी होना है கடைசியா आखिरी में நம்ம எல்லாரும் we must have a vision about second coming heaven eternity இத குறிச்சதானே நித்தியத்தை குறித்ததான பரலோகத்தை குறித்ததான ஆண்டவருடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்ததான ஒரு விஷன் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரருக்கும் ஒவ்வொரு chosen vessel-க்கு இருக்கணும் और एक बात आखिरी बात सातवीं बात हर एक परमेश्वर के पात्रों को अंतिम परमेश्वर का दूसरा आगमन स्वर्ग के बारे में एक सही दृष्टि या दर्शन रखना चाहिए இன்னைக்கு சில விசுவாசிகளே சொல்றாங்க எங்க 2000 வருஷமா தான் இயேசு வர்றார் வர்றார்னு பாட்டு பாடுறோம் எங்கங்க வர்றாரு அந்த விஷனே அவங்களுக்கு மங்கி போச்சு और विश्वासी लोग ऐसा कहते हैं कि 2000 साल से हम कह रहे हैं यीशु आ रहा है वो कभी नहीं आया अभी तक वो जो दृष्टि है उनका पूरी तरह से दुर्बल हो रहा है நான் சொல்றேன் मैं कह रहा हूं நீங்க விசுவாசித்தாலும் விசுவாசிக்கட்டாலும் अगर आप विश्वास करें या न, अगर आप आशा रखते हो या न रखते हो, जीसस इज कमिंग वेरी सून, यीशु जल्दी आने वाला है। தாமதிக்கிறார் என்று சொல்லி நின்றபடி அவர் வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதமாக இராமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நம்மை நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருக்கிறார்। वो ऐसा नहीं कि वो देर कर रहा है, पर वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसके पास स्वर्ग में आ जाए। வருகிறவர் கொஞ்ச காலத்துல வருவார், थोड़े समय में वो जरूर आने वाला है, वो देर नहीं करेगा। लेकिन कौन सा साल कब हम नहीं बता सकते। हालेलुया हालेलुया। இந்த ரெவெலேஷனை அருமையானவர்களே இந்த மூணு நாட்களும் நீங்க பெற்றுக்கொள்ளும்படி நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நாங்கள் இதை உங்களுக்கு பிரீச் பண்ண போறோம்। और इसी बातों को हमने जो पाया है हम आपको सिखाने वाले हैं इन 3 दिनों के दौरान। आइए हम सब खड़े रहकर हमारे आंखों को बंद करके अर्पित करें अपने आप को। मैं चाहता हूं पास्टर एल जबराज आए। ஆண்டவர் நடத்துறபடி ஒரு மணி நேரம் அவர்கள் கர்த்தருடைய சத்தியத்தை இந்த குடும்பங்களை குறித்த வெளிப்பாட்டை இந்த ரெவெலேஷனை பெற்ற அவர் உங்களுக்கு கொடுக்க போறாரு। वो परिवार का बारे में सारे चीजों को वो आपके बीच में अभी बांटेंगे। நிறைவான ஆவி ஒரு பொழுது இந்தியில இருக்காத பாட்டு, நிறைவான ஆவி யானவரே நீர் வரும்போது குறைவுகள் மா। அத அந்த வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா You need the help of the Holy Spirit. अगर उस दर्शन को पाना है तो तुम्हें पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। அந்த பாடல் இந்தியில இருக்கா? ये गाना हिंदी में है क्या? எல்லாம் மாறிரோன்னு தமிழ்ல கூட பாடுறோம்। இந்த பழைய மாத்திர பாடுங்க। When Holy Spirit come everything will change. Thank you Jesus. When Holy Spirit comes everything change. जब पवित्र आत्मा आती है सब कुछ बदल जाता है। Shall we all lift our hands? सभी लोग अपने हाथ को उठाएं। We need to have the revelation about second coming. और परमेश्वर के आगमन के प्रति हम एक प्रकाशित रहे। Revelation about the revival. और जागृति के प्रति एक प्रकाशन होना चाहिए। Revelation about God. प्रकाशन होना चाहिए परमेश्वर के बारे में। Revelation about ourselves. और हमारे बारे में एक अच्छा प्रकाशन होना चाहिए। Revelation about the people of God. और परमेश्वर के लोगों के प्रति एक प्रकाशन होना चाहिए। I tell you, मैं आज कहता हूँ, revival is coming. जागृति आने वाली है। Revival is not coming. ये तो अंगा वर्धु इंगा वर्धु नहीं है। जागृति यहाँ आने वाला है, वहाँ आने वाला नहीं। எழுப்புதல் உங்களுக்குள்ள நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்க வேண்டும்। जागृति आपके बीच में आने वाली है। எத்தனை பேர் கைகளை உயர்த்தி ஒப்பு ஆண்டவரே எழுப்புதல் என் மூலமாய் வரட்டும்। आपने हाथों को उठाकर बोलिए प्रभु मेरे द्वारा एक जागृति आने पाए। என் குடும்பத்துல ஒரு எழுப்புதல் வரட்டும்। मेरे परिवार में जागृति आने पाए। எங்க சபையில ஒரு எழுப்புதல் வரட்டும்। मेरे कलीसिया में जागृति आने पाए। Let revival start from us O God. जब हमारे बीच में जागृति आएगी। Lord we hand over our lives right now. और हमारे जीवन को हम आपको समर्पित करते हैं। இந்த பாடல் நான் जब हम ये गीत गाते हैं ये गीत कहता है நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறும்। आप आएंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी। முடியாதது சாத்தியமாகும்। जो कुछ असंभव है वो सब कुछ संभव में बदल जाएगा। என் வாழ்க்கையில முடியாதது எல்லாம் சாத்தியமாகும்। और मेरे जीवन में जो असंभव है वो सब कुछ संभव में बदल जाएगा। நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே असंभव संभव में बदल जाएगा। आप आएंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी। जो असंभव है वो संभव में बदल जाएगा। ओ भरपूरी परमेश्वर आप आइए। ओ परमेश्वर आप आइए, आप ही काफी जागृत है। पवित्र आत्मा आप आइए, आप आइए, आप आइए। पवित्र आत्मा आप आइए, Holy Spirit நீங்க வாங்க, Holy Spirit நீங்க வாங்க, நம்மள ஆயே பவித்ர ஆத்மா, Holy Spirit நீங்க வாங்க, பவித்ர ஆத்மா आप आइए, Holy Spirit நீங்க வாங்க, பவித்ர ஆத்மா आप आइए, सुनवाए धर्म से Holy Spirit நீங்க வாங்க, आप अपने जबान से बोलिए, आया है, आइए पवित्र आत्मा आइए, நீங்க வாங்க, आप आइए, எங்க சபைக்குள்ள வாங்க, हमारे कलीसिया में आइए, எங்க சமுதாயத்துக்குள்ள வாங்க, अभी हमारे बीच में हमारे कलीसिया में आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, मरियाल அப்படிதான் ஒப்பு கொடுத்தாள், மரியாள் அப்படிதான் ஒப்பு கொடுத்தாள், மரியாள் அப்படிதான் ஒப்பு கொடுத்தாள், और मरियम ऐसा ही समर्पित की थी। கைகளை உயர்த்தி அவ ஆண்டவரே நீ வாரும் என்று ஒப்புக்கொடுத்தார்। हाथों को उठाकर बोलिए இது சாத்தியம் கிடையாதுதான், आपके लिए कोई भी अशक्य नहीं है, எனக்கு ஹஸ்பண்ட தெரியாதுதான், प्रभु सच में आपके लिए कोई भी ஆனா நீர் வாரும், आप आइए, நான் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார்। प्रभु मैं समर्पित करता हूं, வேதம் சொல்லுது ஆவியானவர் அவள் மேல் நிழலிட்டார்। प्रभु आपका उपस्थिति पवित्र आत्मा के सामने उपस्थिति கைகளை உயர்த்தி ஒப்புக்கொடுங்க ஆண்டவரே ओ परमेश्वर सात्यमा இல்ல எங்களுக்கு சாத்தியம் எங்களால முடியாது, हमारे लिए कोई भी काम संभव नहीं है प्रभु। ஆனா கைகளை உயர்த்தி ஒப்புக்கொடுங்க, நீங்க மேல நிழலிடுங்க, ऊपर करके बोलिए आप ஆவியானவர் எங்க மேல நிழலிடுங்க, प्रभु पवित्र आत्मा आप आइए, எழுப்புதல் ஆரம்பிக்கட்டும், आप आइए, எழுப்புதல் ஆரம்பிக்கட்டும், प्रकाश हालेलुया, எழுப்புதல் ஆரம்பிக்க, எனக்குள்ள ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகட்டும், जागृति आने पाए, ये आवी உயிரடையட்டும், पवित्र आत्मा आप आइए, ये आवी உயிரடையட்டும், मेरी आत्मा जागृत होने पाए, याकोब உயிர்ப்பித்தது போல என்ன உயிர்ப்பீங்க, याकोब कैसे प्रभु, எங்க தரிசனம் உயிர்ப்பிக்கப்படட்டும், எங்க தரிசனம் உயிர்ப்பிக்கப்படட்டும், प्रभु आप हमें जीवन दीजिए, प्रभु நீ கொடுத்த வெளிப்பாடுகள் ஆண்டவரே பெற்றுக்கொண்டு, प्रभु हमारे जीवन में दर्शन, தூசியை உதறி தள்ளிவிட்டு எழும்புகிறோம், प्रभु हम सब कुछ दूर करके हम आपके पीछे जाते हैं, दूसरी उधरी तली बिटी एलम्बगरो, प्रभु हमारे जितने भी प्रभु हमारे जीवन में है प्रभु सब कुछ निकाल कर हम आपके पीछे चलते हैं, प्रभु हम सब जागृत हो जाए, जागृत हो जाए, हाथ ऊपर कीजिए, हाथों को उठाइए, हाथों को उठाइए, दीवारों में आप आइए, दीवारों में आप आइए, दीवारों में आप आइए, संभव है, सब कुछ संभव हो जाएगा, आप आएंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी, जो कुछ असंभव सब कुछ संभव में बदल जाएगा, आप आइए, आप आइए, बजाते रहे, ताली बजाते रहे, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्वागत करें, हालेलुया, सामने हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, ओ जीवित करने वाले आत्मा, ओ जीवित करने वाले लिए ताली बजाइए, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वी वर्शिप, हम आराधना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सब प्रार्थना करेंगे। मेरा अच्छा परमेश्वर, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ आप बात कर रहे हैं प्रभु, आपके वचन से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं प्रभु, अर्रे के जीवन में एक दर्शन पाने पाए। देवने कुरित, एंगले कुरित, मक्कले कुरित, कुडुंबत्ते कुरित ஆண்டவரே ரெவெலேஷன் உண்டாகட்டும் प्रभु। मैं आपके प्रति प्रभु, मेरे प्रति, लोगों के प्रति प्रभु, हमारे कलीसिया के प्रति एक प्रकाशन मिलने पाए। அந்த வெளிப்பாட்டோடு அந்த தரிசனத்தோடு நாங்கள் ஊழியம் செய்ய கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் प्रभु। ऐसा ही प्रकाशन के साथ में एक सेवा करने के लिए हमें मदद कर। यीशु क्रिस्तुवे नामத்தில் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। उठकारो, सभी लोग बैठ जाएंगे। आपके बीच में रहना बहुत ही खुशी की बात है। ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை இந்த நாக்பூர் பட்டணத்துல வந்து செய்யிறதுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி। परमेश्वर ने इस सेवा को इस नागपुर के शहर में करने के लिए मौका दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। அருமையான பாஸ்டர் ஜோசப் பாலச்சந்திரன் அவர்களுக்காக पास्टर அவர்களுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்। அவர்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த தரிசனத்தின்படி இந்த செமினார் இந்த இடத்துல நடந்து கொண்டிருக்கிறது। परमेश्वर जो उन्होंने सिखाया है दर्शन, उसके उसी के विपरीत इस मीटिंग चालू हो रही है। நீங்கள் எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரங்கள், आप सब चुने हुए पात्र हैं। आमेन आमेन। நீங்கள் எல்லாரும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், हम सब परमेश्वर के द्वारा चुने हुए पात्र हैं। நீங்கள் எல்லாரும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள், हम सब परमेश्वर के बुलाए हुए जन हैं। உங்களை குறித்து தேவன் ஒரு பெரிய திட்டம் வச்சிருக்கிறார், आपके प्रति परमेश्वर एक बहुत बड़ा योजना रखा है। உங்களை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு பெரிய நோக்கம் இருக்கிறது, और परमेश्वर आपके प्रति एक बहुत बड़ा आस रखा है। அந்த நோக்கத்தை அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படி தான் இப்படிப்பட்ட கூடுகைகளை கர்த்தர் ஒழுங்கு செய்து உங்களை இந்த இடத்துக்கு வர வைத்திருக்கிறார்। परमेश्वर ने परमेश्वर उस आस को पूरा करने के लिए ऐसे मीटिंग का आयोजित करने का परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया। ஏழு விதமான தரிசனங்களை குறித்து பாஸ்டர் அவர்கள் மூலமாய் கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார்। सात तरीके के दर्शन के बारे में परमेश्वर ने हमसे बात किया। அந்த ஏழுல ஒன்று குடும்பத்தை குறித்த வெளிப்பாடு, और उस साथ में से एक दर्शन जो है वो परिवार के प्रति है। குடும்பத்தை குறித்த தெய்வீக வெளிப்பாட்டை நாம் ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்। परिवार के प्रति एक सही प्रकाशन हमारे जीवन में होना चाहिए। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Jesus Jesus, குடும்பத்தை குறித்த வெளிப்பாட்டை இந்த வேதத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்। परिवार के प्रति दर्शन हमें वचन से मिलना चाहिए, ஏனென்றால் क्योंकि marriage and family was originated by God. शादी और परिवार जो है वो परमेश्वर की ओर से ही स्थापित किया गया है। It was not founded by human being. और वो मनुष्य के द्वारा स्थापित किया हुआ बात नहीं है। This thought came to the mind of God. और ये विचार जो है ये परमेश्वर के मन में आई है। திருமணம் என்கிற எண்ணம் தேவனுடைய மனதிலே உதித்தது, और शादी परमेश्वर के मन में आई। குடும்பத்தை கண்டுபிடித்தவர் கர்த்தர், परिवार को ढूंढने वाला भी परमेश्वर। ஆகவே அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை குறித்த வெளிப்படுத்தலை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் और हमें परमेश्वर क्या सोच रहा है परिवार के प्रति वो हमें जानकारी होनी चाहिए What God is thinking about family परमेश्वर क्या सोच रहा है परिवार के बारे में Why he created family क्यों परमेश्वर ने परिवार को बनाया What was the purpose of family? God's purpose of family life. क्या योजना थी परिवार के प्रति? What he thought when he founded this institution called family. जब परिवार जैसा एक स्थापित करना क्या विचार थी परमेश्वर का? அவருடைய மனதிலே என்ன நினைத்தார்? उन्होंने परमेश्वर ने अपने मन में क्या सोचा? How can we know that? कैसे हमें मालूम पड़ेगा How can we know the purpose of God? कैसे हमें जानकारी मिलेगी कि परमेश्वर का योजना के बारे में Only through His Word. केवल परमेश्वर के वचन के बारे में This Word reveals God's purpose. ये परमेश्वर का वचन हमें उसकी योजना को बताती है தேவனுடைய வார்த்தை தான் தேவனுடைய நோக்கத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது परमेश्वर का वचन ही हमें परमेश्वर के विचार को दिखाते हैं Shall I stand there if you don't mind? Thank you. हम लोग यहाँ पर खड़ा रह सकते हैं। Because I have fan here. अच्छा यहाँ पर पंखा है इसलिए। Thank you. Thank you. अनेक இடங்கள்ல நாங்க இது போல सेमिनार நடத்தி இருக்கிறோம் हम अनेक जगह पर ऐसा हम लोग ने सेमिनार को हम लोग किए हैं अनेகர் இது போல सेमिनारல கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் और बहुत से लोग भी ऐसे सेमिनार में आए हैं और इकट्ठा हुए हैं ஆனா உங்களை போல உற்சாகமான கூட்டத்தை நாங்க எங்கேயுமே பார்த்தது இல்ல आपके जैसा उत्सुक और उत्साहित रहने वाले मैं कहीं हम लोग कहीं पर भी देखे नहीं हमें समझ में नहीं आया क्या दिखाओ ना उत्साहित दिख रहे नहीं प्रेज़ द लॉर्ड हाँ उंगल पोले आपके जैसा उंगल पोले कर्तृदीय वार्ते रिसीव पंड्र कूटते नांगेंगी पागल है आपके जैसा परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने वाले हम लोग ने कहीं देखा नहीं सिलर सिरी करेंगे बहुत सारे लोग आश्रय ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னா क्यों हंस रहे पता है इवर போற இடத்துல எல்லாம் இத தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு मेरे ख्याल से ये हर जगह जा रहे हैं और यही बात बोल रहे हैं இல்ல இல்ல உண்மையாகவே சொல்றேன் you are a very good people very receptive people मैं सच बोल रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं और स्वीकार करने वाले लोग हैं God has a purpose for this meeting और परमेश्वर की योजना है इस मीटिंग के जरिए God has a special plan for this seminar और परमेश्वर की कुछ योजना है इस सेमिनार के You did not come here by accident आप और मैं एक एक्सीडेंट के द्वारा यहाँ पर नहीं आए God brought you here परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लेकर आया है To teach you something from His Word और कुछ तो सिखाने परमेश्वर के वचन के जरिए Because He has a plan for your life and your family and for your ministry परमेश्वर ने जो योजना आपके प्रति रखा है आपकी सेवकाई के प्रति रखा है वो बताने के लिए यहाँ पर Especially we are going to study about our family in this session और इस सेक्शन में इस भाग में हम लोग परिवार के प्रति हम सीखेंगे परिवार के बारे में सीखेंगे Family परिवार Hallelujah Hallelujah अनेकों मुखंगल और मारी सोंद पोन मार रखते कई लोगों के चेहरे हम मैं देख रहा हूँ बहुत उदास नजर आ रहे हैं उदास हाथ ऊपर कर रहे हैं As soon as I said the word family, जब मैं जैसे ही परिवार ये शब्द उच्चारण किया वैसे ही चेहरा छोटा हो गया Your faces went down. आपका चेहरा जो है वो उतर गया अयो आदपतिया पैसा पोरेंगे अयो उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं வேற நல்ல பாடம் இல்லையா क्या दूसरा विषय आपको मिला नहीं இருக்குறதுலயே நல்ல பாடம் இதுதான் अगर विषय अगर कुछ अच्छा है तो ये परिवार के प्रति ही अच्छा है परिवार ही विषय अच्छा है இருக்குறதுலயே தேவையான பாடம் இதுதான் और सच में परिवार के विषय में सीखना ही बहुत जरूरी है because God created family first. क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को पहला बनाया. Before he created the church. कलीसिया को बनाने के पहले परमेश्वर ने परिवार को बनाया. Hello. The family is the foundation for our church. और परिवार ही है जो कलीसिया का नींव है. कुडुम्बम नंद्रा इरंदाल सबै नंद्रा इरुक्कुम. परिवार अच्छा है तो कलीसिया अच्छा है. सबै नंद्रा इरंदाल समुदायम नंद्रा इरुक्कुम. अगर कलीसिया अच्छा है तो आजू बाजू के समूह भी अच्छा है. So समुदायम नंद्रा इरुक्क वेंडुमानाल कुडुम्बम नंद्रा इरुक्क वेंडुम. अगर हमारा मन्निक्कवुम सबै नंद्रा इरुक्क वेंडुम. अगर हमारे समुदाय अच्छा रहना चाहिए तो हमारा कलीसिया अच्छा रहना है. सबै नंद्रा इरुक्क वेंडुमानाल வருகிற விசுவாசிகளின் குடும்பம் நன்றாய் இருக்க வேண்டும். अगर कलीसिया अच्छा रहना चाहिए तो कलीसिया में आने वाले परिवार भी अच्छा रहना चाहिए. விசுவாசிகளின் குடும்பம் நன்றாய் இருக்க வேண்டுமானால் ஊழியரின் குடும்பம் நன்றாய் இருக்க வேண்டும். अगर विश्वासियों के परिवार अच्छा रहना चाहिए तो हमारे जो सेवक लोग हैं उनका परिवार भी अच्छा रहना है. Hallelujah. Hallelujah. So pastor's family is very important in God's sight. और प्रभु के दासों के परिवार जो है वो परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही जरूरी है. और ஊழியர் ஒரு போதகருடைய குடும்பத்திலே கர்த்தர் அக்கறை உள்ளவராய் இருக்கிறார். और परमेश्वर के दासों के परिवार के प्रति परमेश्वर बहुत ही ध्यान रखता है. वेदम சொல்கிறது वचन बोलता है ஒருவன் தன் சொந்த குடும்பத்தை விசாரிக்க விட்டால் சபையை எப்படி நடத்துவான். यदि वो अपने परिवार का ही अच्छा ध्यान ना रखता हो तो वो कलीसिया का कैसे ध्यान रखता होगा. सो ஊழியக்காரருக்கு குடும்பம் ரொம்ப முக்கியம். इसलिए सेवक लोगों को अपना परिवार बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है. और ஊழியக்காரர் தன்னுடைய ஊழியத்தை முதலாவது குடும்பத்தில் ஆரம்பிக்கிறார். और एक सेवक जो है वो अपने परिवार से ही सेवा स्टार्ट करता है, शुरू करता है. कुटुंबத்திலே ஊழியம் வெற்றியா இருந்தால் தான் சபையிலே ஊழியம் வெற்றியா இருக்க முடியும். परिवार अगर यदि जयवंत जीवन जी रहा है तो कलीसिया भी जयवंत जीवन जीता है. सो நமக்கு இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்துல அதிகமான காரியங்களை நம்மால் பார்க்க முடியாது. சில அஸ்திவாரமான காரியங்களை குடும்பத்தை குறித்த சில फाउंडेशनल ट्रूथ्स आई एम गोइंग टू टीच. हमको जो दिया हुआ टाइम के अनुसार हम बहुत बड़ा एक विस्तार में तो हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कुछ न्यू है जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी व्हाई गॉड क्रिएटेड दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फैमिली. परमेश्वर ने क्यों हमें निर्माण किया, सृष्टि किया एक परिवार को. व्हाई मैरिज, क्यों शादी. व्हाई, क्यों. व्हाट इज द पर्पस, क्या योजना है परमेश्वर का शादी का निर्माण करने का. कैन यू गिव मी सम आंसर्स. क्या आप लोग कोई उत्तर दे सकता है परमेश्वर ने क्यों शादी को बनाया, शादी क्यों स्टार्ट किया, शादी क्यों. व्हाई यू गॉट मैरिड, क्यों. हम आराधना பண்ணனும். Fellowship with God. You got married. Yes. Why marriage? Why you got married? क्यों शादी, शादी क्यों जरूरत है. Can you give, कोई बता सकते हैं, बताओ ना जिसको मालूम है जो बोलो. நம்ம குடும்பத்தை வளர வைக்கணும், வளர வைக்கிறது. वो बताए फेलोशिप विद गॉड अभी जस्ट बताए. बट एक्चुअली वी गेट मैरिड विथ वन पर्पस. और शादी जो है एक ही योजना से किया जाता है. यू ऑल नो दैट पर्पस. और हम सब जानते हैं वो कारण क्या है. Every human being gets married with that purpose only. और हर एक जहाँ पर बैठे हैं हर एक जन एक ही कारण से शादी करते हैं. With his mind, in his mind. वो हमारे मन में, हमारे विचार में. Very good, very good. Generation, generation, follow, follow. To beget children. क्यों हम और बच्चे पैदा करें. That purpose is there. हमारा उद्देश्य वहाँ पर है. But that is not the primary purpose of marriage. वो उद्देश्य जो है वो प्राथमिक नहीं है शादी के लिए. देवन कुडुम्बते कुरित्तु निनैक्कुम पोळुधु वेरुम कुळंदैगळै पेट्रेडुप्पदै कुरित्तु मात्रम निनैक्कविल्लै. परमेश्वर जब इस योजना को बनाया तो केवल बच्चे पैदा करने के योजना से नहीं बनाया शादी को. What God was thinking in his mind when he thought about marriage and family life. जब परमेश्वर ने जब शादी के विषय में सोचा, what he was thinking, क्या सोचा उसने परमेश्वर ने? We can go to the Word of God and find what God was thinking when he thought about family and marriage. हम वचन के अनुसार देखेंगे परमेश्वर क्या बता रहा है एक शादी के विषय में. Shall we go to the Word of God? क्या हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे? And find out why God created family. हम देखेंगे ढूंढेंगे क्योंकि परमेश्वर ने क्यों शादी को बनाया. How many of you are ready to go to the Word of God? कितने लोग रेडी है, कितने लोग तैयार है वचन सुनने के लिए? Shall we go now? क्या हम जाएंगे? Shall we find out? चल ढूंढेंगे हम वचन से. Okay. Go to the book of Genesis. हम सब जाएंगे उत्पत्ति की किताब. Chapter number 1. पहला अध्याय. Verse number 26. 26. उत्पत्ति 1:26. Genesis chapter 1 verse 26. उत्पत्ति 1:26. Can you read in? कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं. हिंदी में पढ़ सकते हैं, मराठी में पढ़ सकते हैं. हिंदी. This verse is the first mention about family. परिवार के प्रति अगर कोई शब्द आया है शादी के बारे में तो इस वचन में है. कुडुम्बत्ते कुरित्तु एळुदपट्ट मुदल वसनम, the first verse पहला वचन about family. परिवार के बारे में लिखा है वहाँ पर. इंगे देवन सोलुगरार. यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है. नमद सायलाहुम नमद रूपतिन बढ़ियेयुम मनुष्यने उंडा कोमा है. अपने स्वरूप में अपनी समानता में मैं मनुष्य को बनाएंगे. अवरहल हम दे वे लोग हाँ. दे let them हाँ अच्छा वे लोग अवरहल பிள்ளைகளை பெறக்கடவர்கள் என்று எழுதப்படவில்லை. वो बच्चे पैदा करेंगे ऐसा वहां पर लिखा नहीं है. अच्छा. Let them have children. God did not say that. ये वो बच्चा पैदा करेंगे आगे उसके लिए वहां पर वो बातें लिखा ही नहीं. वो You got it? वहां पर लिखा है के वचन में. हाँ. Did you see it? वहां पर देख रहे आप के वचन में. God did not say let them have children. वहाँ पर नहीं लिखा गया है कि वो बच्चा पैदा करे. What did he say? क्या उन्होंने लिखा? इन्हें सुनना. What did he say? क्या लिखा है वहाँ पर उस वचन पर? Let them have dominion. जो अधिकार रखे. हालेलुया. वो अधिकार रखे. In Hindi, what is the word? Dominion. अधिकार रखने के लिए परिवार को परमेश्वर ने बनाया. अधिकार. यस. लेट देम हैव चिल्ड्रन. वो बच्चे पैदा करेंगे वो नहीं परंतु अधिकार. यस. लेट देम हैव डोमिनियन. वो उनके ऊपर अधिकार रखे. सिंस वी डू नॉट know about this purpose, हम इस ये उद्देश्य हमें मालूम ही नहीं है. we left all the way from God's original purpose. और परमेश्वर के जो सही उद्देश्य जो है उससे हम कई दूर हो चुके हैं. In the original plan and purpose of God, தேவனுடைய இந்த திட்டத்துக்காக நாம marriage பண்ணாததனால தான் और हम इस उद्देश्य से हम शादी नहीं कर रहे हैं. इसीलिए family ले ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. इसीलिए परिवार में बहुत सी समस्या चालू है. कुटुंबத்தில் ஏகப்பட்ட problems. परिवार में बहुत से समस्या है. அது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கலாம், ரட்சிக்கப்படாதவர்களா இருக்கலாம், ஊழியக்காரர்களா இருக்கலாம், எல்லா குடும்பத்திலும் there are problems. जो उद्धार पाए हैं, जो उद्धार नहीं पाए हैं, जो सेवक लोग हो या विश्वासी लोग हो, हर एक के परिवार में समस्या है. இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறப்பாராக. आज परमेश्वर हमारी आंखों को खोले. Let God open our eyes. परमेश्वर हमारी आंखों को खोले. அந்த ஒரிஜினல் पर्पस நாம் அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. सही उद्देश्य को हमें मालूम करने के लिए परमेश्वर हमें जरूर मदद करेगा. பிள்ளைகளை பெறுவதெல்லாம் இருக்கிறது, அது இரண்டாவது மூன்றாவது. वो बच्चे पैदा करने के विषय में जो है वो दूसरा तीसरा अध्याय में लिखा है. முதலாவது தேவன் உங்களுக்கு திருமணம் என்ற ஒன்றை உருவாக்கினது எதற்கென்றால் நீங்களும் உங்கள் துணையும் இணைந்து இந்த உலகத்திலே ஆள வேண்டும். आपका और मेरा शादी का उद्देश्य एक ही है. आप जैसे मैं और मेरा पत्नी हम इस दुनिया में हम अधिकार रखे. நீங்கள் இருவரும் இணைந்து ஆள வேண்டும். हम दोनों मिलकर अधिकार रखे. புருஷன் மனைவியை ஆள்றதுக்கு இல்ல, पति जो है पत्नी को अधिकार रखना नहीं, अधिकार में रखने के लिए नहीं, पति पत्नी को अधिकार में रखने के लिए नहीं. இங்க யாரும் அப்படி இல்லன்னு நினைக்கிறேன். यहां पर ऐसा कोई नहीं है, सब आश्रय है. पुरुष मानवीय आल्रदुक्कु इल्ल और पति जो है पत्नी के ऊपर अधिकार रखने के लिए नहीं, அல்லது மனைவி புருஷன் ஆள்றதுக்கு இல்ல और पत्नी भी पति के ऊपर अधिकार रखने का भी नहीं है. नागपुर में எந்த மனைவியும் ஆள்றது இல்லையா. नागपुर में तो कोई भी स्त्री जो है अपने पति के ऊपर अधिकार नहीं रखे, ऐसा मैं सुना. तमिलनाडु में आल्रांगला, तमिलनाडु में ही ऐसा कर रहे बोलते हैं. नॉट हियर, नागपुर में नहीं. இப்படி ஒருவருக்கொருவர் ஆளுவதற்கு முயற்சி எடுக்கிறபடினால் हम एक दूसरे के प्रति अधिकार रखने के कारण இருவரும் இணைந்து ஆள வேண்டும் என்கிற தேவ நோக்கம் சிதைந்து விட்டது, கெட்டு விட்டது. हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अधिकार रखने का विचार के कारण पर राज एक दूसरे के ऊपर राज करने का जो हमारे मन में है, इस कारण परमेश्वर जो सोचा है वो पूरा नहीं हो रहा है. ஆளுகை என்பது தேவனுடைய ராஜ்யத்தோடு தொடர்புடைய வார்த்தை. और राज्य करना यानी परमेश्वर के वचन के साथ में तुलना करने के बराबर है राज्य. உங்களுக்கு கர்த்தர் திருமணம் முடித்து வைத்ததனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் आपका और आपका शादी होने का योजना ही परमेश्वर का क्या है पता है. நீங்கள் இருவரும் இணைந்து இந்த பூமியிலே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்பும்படிக்காக आप और मैं परिवार, आपका और मेरा परिवार जो है इस धरती पर रहकर उस परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने का है. To build God's kingdom, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है. And to destroy the kingdom of Satan, और शैतान के कामों को उसके राज्य को नष्ट करने का है. Have you ever thought about that in your family life? क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है? இதுக்கு தான் எங்களை இணைச்சார்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? क्या आपने कभी सोचा है परमेश्वर ने इसी के लिए हम दोनों को मिलाया है? தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு தான் கர்த்தர் உங்களை இணைத்தார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने इकट्ठा किया, यह पता है. Let's have that revelation today. आज वो दर्शन वो प्रकाशन हमें मिलने पाए. God created our family to rule on this earth. परमेश्वर ने परिवार को इसलिए बनाया ताकि इस धरती के ऊपर हम राज करें, अधिकार रखें. God created our family to build God's kingdom on this earth. और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर के राज्य इस धरती पर स्थापित किया जाए. God created our family to extend His kingdom on this earth. परमेश्वर ने शादी इसलिए स्थापित किया, इसलिए चालू किया ताकि परमेश्वर के राज्य इस धरती पर फैल जाए. Hallelujah. Hallelujah. That was the primary purpose. वही है प्रार्थना योजना. வெறும் பிள்ளைகளை பெறுவதற்காக மட்டுமல்ல, केवल बच्चा पैदा करने के लिए नहीं, நாம் ராஜ்யத்தை குறித்த நோக்கத்தை விட்டுவிட்டு மற்ற நோக்கங்களுக்கு முதலிடம் கொடுத்ததனால்தான் कुटुंबத்தில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. हम परमेश्वर के राज्य के विषय में सोचने को छोड़कर हम सिर्फ परिवार में एक दूसरे के प्रति राज करने का सोच रहे हैं, इसलिए कई समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं. உங்கள் குடும்பத்தின் மூலமாய் தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்தும்படி விரும்புகிறார். आपके परिवार के जरिए परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना परमेश्वर की इच्छा है. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்களும் உங்கள் துணையும் கரத்தை பிடித்து ஜெபியுங்கள். आप और आपकी पत्नी, आपके पति, हम क्या करें, एक दूसरे के हाथ पकड़कर प्रार्थना करें. கர்த்தாவே எங்கள் இருவரையும் கொண்டு சாத்தானுடைய ராஜ்யம் அழிக்கப்படட்டும், உம்முடைய ராஜ்யம் கட்டப்படட்டும். हम एक दूसरे के द्वारा शैतान के राज्य नष्ट हो जाए और परमेश्वर के राज्य स्थापित हो जाए. आमीन, हालेलुया. என்னைக்காவது ரெண்டு பேரும் கைப்பிடிச்சு ஜெபம் பண்ணிருக்கீங்களா? कभी भी एक दिन प्रार्थना की कि पति पत्नी हाथ पकड़कर पूछ रहे हो कि कितने लोग हाथ पकड़ के प्रार्थना करते पति पत्नी? हाँ, नरेव रखेंगे. आप मेरे को बहुत आंख फाड़ के देख रहे हैं. இதுவரைக்கும் ஜெபிக்கலனா இன்னையில இருந்தாவது ஜெபிங்க. अगर आज तक आपने प्रार्थना नहीं किया है तो आज से चालू कीजिए, अब से चालू कीजिए. आमेन, आमेन. Another truth, और एक सच, இன்னொரு மிக முக்கியமான சத்தியம், और एक सत्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं. உங்கள் குடும்பம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக படைக்கப்பட்டபடியால் आपका परिवार परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए बनाया गया है. உங்கள் குடும்பத்தை அழிப்பதற்கு பிசாசு அவனுடைய தந்திரங்களை உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான். और आपके परिवार को नष्ट करने के लिए शैतान अपनी योजना, अपनी युक्ति करता है. தேவன் இந்த குடும்பம் என்கிற அமைப்பை உண்டாக்கினபடியால் परमेश्वर इस परिवार को स्थापित किया, इसीलिए இந்த குடும்பத்தை அழிப்பதற்கு பிசாசு பலவிதங்களில் போராடுகிறான். और शैतान कई तरीके से योजना बनाकर आपके जीवन में वो आता है. फैमिली लाइफ विक्टोरियस வெற்றிகரமாய் நீங்கள் நடத்த வேண்டுமானால் that is a spiritual warfare. और परिवार को अगर आप आशीषित या अच्छा रखना चाहते हो तो ये जो है एक आत्मिक युद्ध में हम लोग हैं. That is a spiritual warfare, और ஆவிக்குரிய யுத்தம். ये आत्मिक युद्ध है. நீங்கள் பிசாசோடு போராட வேண்டியது இருக்கிறது. आप शैतान का सामना करना पड़ना है. अनेகருக்கு அது தெரியாதபடினாலே और कई लोगों को ये चीज मालूम नहीं है, इसीलिए பிசாசுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். और शैतान को ही वो मदद कर रहे हैं. Unknowingly they are helping Satan. और उनको मालूम ही नहीं है वो शैतान को मदद कर रहे करके. Without knowledge they are helping devil. और बिना ज्ञान के वो शैतान को मदद कर रहे हैं. To distract their own families. और वो अपने खुद के परिवार को नष्ट करने के लिए தங்கள் சொந்த குடும்பத்தை அவன் அழிப்பதற்கு இவர்களே உதவி செய்கிறார்கள். और खुद के परिवार को नष्ट करने के लिए शैतान उनके खुद के उस परिवार को ही इस्तेमाल करता है. Let God open our eyes today. यदि परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला है. Let God open our spiritual eyes today. परमेश्वर ने यदि आत्मिक आंखें खोला है तो தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள். परमेश्वर को आप, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए. Obey your God. परमेश्वर की आज्ञा को मानिए. And resist the devil. और शैतान का सामना करो. Never give room to devil in your family. कभी भी शैतान को राज करने का मौका आप कभी मत दीजिए. உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே பிசாசு நுழைவதற்கு ஒருபோதும் இடம் கொடாதிருங்கள். और आपके परिवार में राज करने के लिए शैतान को कभी मौका देना ही नहीं. Never give him place in your family. और कभी भी आपके परिवार में आने के लिए कोई जगह नहीं देना. Because God has a great plan and purpose for your family. और परमेश्वर ने आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति एक सुंदर योजना, सुंदर युद्ध उद्देश्य रखा है. God has a great plan and purpose for your children. और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत योजना, अद्भुत उद्देश्य को आपके बच्चों के लिए रखा है. God has a great purpose for your family's future. और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी उद्देश्य योजना आपके भविष्य के बारे में रखा है. Devil knows that. शैतान अच्छे से जानता है। Satan knows that. शैतान अच्छे से जानता है। He knows that God has a great plan and purpose for your family. और शैतान अच्छे से जानता है आपके परिवार में बहुत बड़ी उद्देश्य है, बहुत बड़ी योजना है। That's why he is trying to destroy that purpose in your family life. इसीलिए वो आपके परिवार में, आपके परिवार को नष्ट करने के लिए वो अपने उद्देश्य को लेकर आता है। Never give him place in your life. और कभी भी शैतान को कभी भी आप स्तुति नहीं करना। Never, 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 never. Give him place in your life. कभी नहीं आपके जीवन में करना है। In your family. आपके परिवार में नहीं। Let God rules your life. परमेश्वर आपके परिवार को राज करे। Let His word rule your life. परमेश्वर का वचन आपके परिवार में राज करे। கர்த்தரும் அவருடைய வார்த்தையும் உங்கள் குடும்பத்தை ஆளுகை செய்யட்டும்। परमेश्वर का वचन आपके परिवार में राज करे। Give Him room. आप परमेश्वर को एक अच्छा Give God room. आप एक रूम दीजिए परमेश्वर को। Give God and His word place in your family life. और परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लिए आपके परिवार में जगह दीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Why God created your family? क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया, आपकी शादी को बनाया? Did you understand that? आपको समझ में आ गया? Can you give me that answer? आपको उत्तर मिल चुका है? Yes. Why He created? क्यों बनाया? अभी आपके शादी को क्यों बना, परमेश्वर ने बनाया? Why you got married? हाँ भी सब समझ गए। Praise the Lord. परमेश्वर का राज्य। Very good. Amen. Hallelujah. Why God gave you that wife? क्यों परमेश्वर ने उस पत्नी को आपको दिया? Why God gave that husband? क्यों परमेश्वर ने उस पति को आपको दिया? Both of you should stand and build God's kingdom. दोनों मिलकर परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहकर हम उस राज्य को बनाने के लिए रखा है। As a whole family, you should stand and build God's kingdom. पूरा परिवार सहित परमेश्वर के लिए खड़ा रहकर उसके राज्य को स्थापित करने के लिए रखे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Shall I go to another verse? Next verse. क्या मैं और एक बात में जा सकता हूँ? Shall we go? जाएंगे ना? Read Genesis chapter 1 verse 27. हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 27वां वचन। Let's get another revelation about our family life. हम और एक प्रकाशन को देखेंगे परिवार के प्रति। Genesis chapter 1 verse 27. उत्पत्ति 1 का 27। தேவன் தமது சாயலாக ஆணையும் பெண்ணையும் சிருஷ்டித்தார்। परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में मनुष्य को परमेश्वर नर और नारी करके बनाया। God created man and woman in His own image. परमेश्वर ने नर और नारी करके उसके स्वरूप में बनाया। So God's image was in Adam. परमेश्वर का स्वरूप आदम के अंदर में। And God's image was in Eve also. परमेश्वर के स्वरूप उस हवा के अंदर में भी है। Amen. Amen. God's image was in Adam and Eve. परमेश्वर का स्वरूप आदम और हवा के अंदर में थी। So when Adam saw Eve, जब आदम ने हवा को देखा, आदम एवाले पार्थ बोलते, जब आदम ने हवा को देखने के बाद देवनुड़िये सायलिल सृष्टिक्के पट्टे पेन्ना का पार्थान, ये परमेश्वर के सृष्टि से सृष्टि हुई करके वो देखा, उस नजर से देखा उस पत्नी को। एवाल आदम ही पार्थ बोलते, जब हवा ने आदम को देखा देवनुड़िये सायलिल पड़क्के पट्टा आना का पार्थान, ये परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किया हुआ एक नर है या पुरुष करके उसने देखी। नींगल उंगल तुणये याराह पार्करीरहल एन्बदु मिह मुख्यम। आप आपके प्रिय को आप कैसे देखते हैं ये बहुत मायने रखता है। Do you understand? समझ में आया आपको? और एक बार बोलूं, आप आपके पति को या आपके पत्नी को आप किस दृष्टि से देखते हैं वो बहुत मायने रखता है। Who is your wife? आपका पत्नी कौन है? आपका पत्नी कौन है? परमेश्वर का स्वरूप। यस। If we say in our language today, अगर ये हमारी भाषा में, अगर आज की भाषा में अगर हम बोलेंगे, योर वाइफ इज डॉटर ऑफ गॉड, आपका पत्नी परमेश्वर का बच्ची है. योर हस्बैंड इज सन ऑफ गॉड, आपका पति जो है वो परमेश्वर का पुत्र है. हैव यू सीन योर स्पाउस, क्या आपने आपके पत्नी को इन दैट वे, क्या आपने उस दृष्टि से देखा है, मेरे पत्नी परमेश्वर के स्वरूप है करके? देखे कि नहीं देखे? आप लोग मुंडी नहीं ला रहे मतलब। उंग थोनेये देवनुடைய பிள்ளையா பாக்குறீங்களா? क्या आपके पत्नी को यह परमेश्वर का बच्ची है करके या बच्चा है करके जानते क्या, देख रहे क्या उस दृष्टि से? ब्रदर थॉमस, हां, उंग वाइफ உடைய அப்பா பேர் என்ன? हां, बास्कर. वाइफ और अपा बेर अयो बास्कर अतन जोड़ने. हाँ, his father in law's name is Baskar. इनका ससुर जी का नाम है बास्कर. When he sees his wife, जब वो अपने पत्नी को देखते हैं, he usually sees as a daughter of, अब ये वैसे कैसा देखते हैं, हाँ ये बास्कर की बेटी है. बास्कर डॉट शी, यस शी इज अ डॉटर ऑफ बास्कर. हाँ वो बास्कर की बेटी है. बट मोर देन दैट शी इज अ डॉटर ऑफ गॉड. उसके पहले वो परमेश्वर का बच्ची है. आमेन, हालेलुया. डू यू अंडरस्टैंड? आपके समझ में आ गया? नींगे अपनी पाकरिंगला, क्या आप आपके पत्नी को या आपके पति को ऐसा देख रहे क्या? उंग तोनेये नींगे अंद मारी पाकरिंगला, क्या आपके जोड़ी को आप ऐसा देख रहे क्या? उंग तोनेये देवनुடைய பிள்ளையா पाकरिंगला, क्या आपके जो प्रिय है उसको आप परमेश्वर के बेटी के रूप में या बेटे के रूप में देखते क्या? யோவான் 1:12 சொல்லுகிறது, யோவான் 1:12 में लिखा है, அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். उसके नाम पर जो कोई विश्वास करते हैं परमेश्वर ने उन्हें पुत्र होने का या संतान होने का अधिकार दिया है. ஆமென், ஹalleluya. உங்கள் மனைவி இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை. आपके पत्नी परमेश्वर के लहू के द्वारा छुटकारा पाई हुई बेटी है. உங்கள் கணவர் இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை. आपका पति जो है वो परमेश्वर के लहू के द्वारा छुटकारा पाया हुआ बेटा है. Treat him as a child of God. आप उनके साथ में ऐसा ही व्यवहार करें जैसे वो परमेश्वर का बेटा है. Treat your wife as a child of God. आप आपके पत्नी के साथ में ये परमेश्वर का बेटी है करके आप उनके साथ में व्यवहार कीजिए. அவர்களை பார்க்கும்போது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் பாருங்கள். जब भी आप देखते हैं ये परमेश्वर का बेटी के रूप में आप देखिए. உங்கள் பார்வை மாறும் பொழுது அவர்களோடு இருக்கிற உறவிலே மாற்றம் ஏற்படும். जब आपके दृष्टिकोण में बदलावट आती है तब उस आपके जीवन में भी बदलावट, आपके परिवार में बदलावट आती है. You will start to honor that person. आप उनको आदर करना शुरू कर दोगे, आदर देना शुरू कर दोगे. Honor கனப்படுத்துவீங்க. ஓய் ஆதர். Amen. Amen. Your wife is a child of God. Your husband is a child of God. आपके पत्नी परमेश्वर का बेटी है, आपके पति जो है वो परमेश्वर का बेटा है. From today, आज के दिन से, let's get that revelation from God. और ये प्रकाशन हमें मिल जाए. It should become our revelation. और हम उसका प्रकाशन. This truth should become our revelation. ये सत्य जो है ये हमारा प्रकाशन में बदल जाए, हमारा दर्शन में बदल जाए. As Pastor Joseph Balachandran preached in the first session, we must have revelation. परमेश्वर के दास ने प्रचार किया था कि हमारे अंदर में प्रकाशन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए. Revelation will come only through the word of God. परमेश्वर का प्रकाशन केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आता है. Only God's word can give us a revelation. परमेश्वर का वचन ही हमें प्रकाशन दे सकती है. You cannot get it from any college or any university. और कोई भी कॉलेज से, कोई भी शाला में आपको मिलने वाला नहीं है। Only God's word can give us a revelation. केवल परमेश्वर का वचन ही हमें प्रकाशन दे सकता है। Hallelujah. 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 Do you want to get that revelation from God? क्या आप वो प्रकाशन पाना चाहते हैं, वो दर्शन पाना चाहते हैं? Do you want to receive that revelation from God? क्या वो आप प्रकाशन पाना चाहते हैं? Let me tell you, all these 3 days you come and attend this seminar. और ये 3 दिन जो है लगातार आप आइएगा और परमेश्वर के प्रकाशन को पाइएगा। And hear these truths. और ये जो सत्य है, God will give you revelation after revelation after revelation about many truths from His Word. परमेश्वर आपको प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन, प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन आपकी सत्य के द्वारा परमेश्वर आपको देगा। That revelation will change your whole life. और ये प्रकाशन जो है, ये दर्शन जो है, ये पूरे जीवन परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। One revelation from the Word of God. एक प्रकाशन परमेश्वर की ओर से मिलने से is enough to change your life. वो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। One revelation. एक प्रकाशन। One revelation from the word of God. One word from the mouth of God. और एक वचन पहाड़ को क्या कर देती है? Can change your whole life. और पूरे आपके जीवन को बदल सकती है। I have only 10 minutes. हमारे पास सिर्फ और 10 मिनट है। Quickly, I am going to start a portion. और मैं जल्दी ही शुरू करूँगा। A lesson. और मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगा मेरे विषय। And I will continue in the forthcoming days. और मैं इसे continuously आपको बताते रहूँगा लगातार 2-3 दिन, तीन दिन जो है। When God created man and woman, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया नर और नारी करके, He created them with many differences. और वो जब उन्होंने बनाया तो बहुत से अलग कुछ अलग दायिक बनाया। विभिन्न रीति से बनाया, विभिन्न सही बड़ा, ओके, हाँ, विभिन्नता से बनाया। There are many differences. और बहुत ही विभिन्नता से बनाया परमेश्वर ने। Both are not same. और दोनों समानता नहीं है, पति और पत्नी जो है, जेंट्स और लेडीज सेम नहीं। In thinking, सोच में, in emotions, और सब भावनाओं में, physically, और शारीरिक रूप से भी, both are not same. वो लोग दोनों सेम नहीं है। They have differences. वो दोनों के बीच में एक विभिन्नता है। If we don't understand the differences, अगर हम एक दूसरे के विभिन्नता को यदि हम समझ नहीं पाए, we will have problems until we live on this earth. और हमारे जीवन में समस्या रहेगी जब तक हम इस दुनिया में हैं। Even in the age of 85. अगर हम 85 उम्र का हुए तो भी you will have a problem. वो समस्या रहेगी। If you don't understand the differences between both of you. अगर हम उस विभिन्नता को अगर हम समझ नहीं पाए तो, praise the Lord. Do you understand? आपको समझ में आ गया? So I am going to give you one difference. और मैं आज के दिन में एक विभिन्नता के बारे में बताना चाहता हूँ। There are many differences, at least 10 differences are there. और 10 विभिन्नता है एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो उसमें से एक ही मैं बताना चाहता हूँ। I am going to give you only one now. आज के दिन में एक बताना चाहता हूँ। When God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, He gave him a garden to live. और परमेश्वर ने उसे ईदन वाटिका दिया। Am I right? बराबर है कि नहीं? Before he gave Eve, परमेश्वर ने हवा को देने से पहले, He gave garden to live. परमेश्वर ने उसे ईदन वाटिका दिया। Amen. Amen. So I don't know how much time he was there, but he was there alone before God gave Eve. मुझे नहीं पता है वो कितना दिन तक उस ईदन वाटिका में था, लेकिन जब तक ईदन वाटिका में था तब तक वो अकेला ही था। Adam was alone. आदम अकेला था। Because God still did not create Eve. क्योंकि परमेश्वर ने अब तक हवा को नहीं बनाया. Do you follow me? Adam was alone. आदम अकेला था. There was nobody for him to talk to. कोई भी आदम के साथ में बातचीत करने के लिए नहीं था. Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? हाँ बोलिए हाँ. Yes. There was nobody. कोई भी नहीं था. To talk to. बात करने के लिए कोई भी नहीं था. So what Adam did? क्या आदम ने किया? आदम ने कुछ किया गया? Adam was silent. आदम सिर्फ शांत था. From that day. उस दिन से लेकर. Until today. आज तक शांति. Adams. बिल्कुल शांत है. Or silent. आदम शांत है. They don't talk much. उन्होंने ज़्यादा बात करते ही नहीं. बहुत ही सत्य. Am I right? क्या सही है? पुरुष लोग बहुत खुश हो गए. They don't talk much. वो ज़्यादा बात नहीं करते. They'll always be silent. हमेशा शांत. But Eve, the matter of Eve was different. लेकिन हवा वो थोड़ा विभिन्न थी. When God created Eve, जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, already there was पहले ही क्या था? Already there was Adam. पहले ही आदम था. So as soon as Eve opened her eyes, जैसे ही हवा ने आंखों को खोली, she started to speak. वो जैसे ही बोलना शुरू कर दी. From that day, उस दिन से लेकर until today, आज तक Eves are speaking, talking. बात करना खत्म नहीं होता है. Eve never closes her mouth. हवा भाई अपने मुंह को कभी बंद नहीं रखी. So she was created to talk. उसको बोलने के लिए बनाया है. Adam was created to listen. और आदम को परमेश्वर ने शांत रहने के लिए बनाया है. हाँ वही सुनने के लिए. Sorry सुनने के लिए बनाया है. हाँ सुनने के लिए बनाया है. If you don't understand this difference, अगर ये विभिन्नता अगर हमको समझ में नहीं आया, definitely you will have misunderstanding in your home. जरूर आपके परिवार में ना समझ आएगी. She will always talk. और हमेशा वो शुरू करेगी. In Tamil Nadu also, in Maharashtra, महाराष्ट्र में, नागपुर, in Delhi, internationally, पूरा दुनिया में ऐसा ही है. Ladies will speak, talk. और स्त्री जो है बोलेंगे non-stop बोलेंगे. Husband must be patient. और पति को बहुत ही धीरज रखना पड़ता है. To listen. सुनने के लिए. If you don't have a patience, अगर आपके पास में धीरज नहीं है सुनने के लिए, आपकी धीरज खत्म. Very difficult for you. बहुत ही कठिन है. He will not open his mouth. वो अपना मुंह नहीं खोलेगी. She will not close her mouth. और वो अपने मुंह बंद नहीं करेगी. This is the basic difference. और यही है जो बेसिक विभिन्नता जो है. Do you understand? क्या आपको समझ में आया? समझ में आया? हाँ अच्छी. From today onwards. और आज के दिन से. All husbands. और सभी लोग सभी पति लोग यहाँ पर सुनिए. If you want to have good future. अगर आपके पास में अच्छी भविष्य है. if you want to have good time in your family, या अगर आपके परिवार में एक अच्छा समय अगर आप देना चाहते हो, go and sit and listen to your wife. जाओ घर में अपनी पत्नी की सुनना शुरू कर दो. Otherwise, you can't have a successful family life. अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल परिवार को चला नहीं पाएंगे. This is biblical. ये वचन के अनुसार हम बात कर रहे हैं. I am giving you biblical reason for that. मैं वचन के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कारण बता रहा हूँ मैं. Amen. Amen. I gave you only one difference. मैं सिर्फ एक ही विभिन्नता को बताया हूँ और 9 बाकी है. Forthcoming sessions, I am going to give you more differences. बहुत विभिन्नता को मैं बताने वाला हूँ. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Let God give you revelation after revelation from His Word. परमेश्वर इस वचन के थ्रू प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन, प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन दे. Thank you, thank you. धन्यवाद. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. Praise the Lord. Praise the Lord. नल्ले अनुभवमुल्ला वार्तिका है कतरी तुदी किंड्रोम. और बहुत ही अनुभव से बहुत से बातें सीखने के लिए मिला हमें. बुधवारे और लैंग्वेज ले पेश करते कि पास जबराज वालों के 2 महीने कुड़ता नल्ला रखो. अगर हम पास्टर को 2 घंटा प्रचार के लिए देते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा. बट इंगे नमक नेहरा मिल रहा है. हमारे पास समय नहीं है ना. और सोना तो बोला आड़त सेशन ले कुड़म तिर काग है व्यक्ति के रमान कुड़म नाटक उधर कुरी आड़ो सने गड़े अब गड़े बड़ंग बार गए. और आने वाले दिनों में वो परिवार के प्रति ही वो विषय के बारे में वो बात करेंगे. नाम नेहरते ही काटते वरुम बिल्ले मैं वचन में नहीं आऊँगा. नाम नाड़ीबीले अनबु तांदा ये वर्गल बंदर करार गए. हाँ, क्योंकि हमारे बीच में फादर जी आए हैं. अवर्गल मेल कातर और अभिषेक ते वही तेरे करार. और उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है. ओली खड़े कुड़गेले बंद अवर्गल कुंचनेरम अवर्गल देवसमुद्र लिंड आवियानो नौ की पार कर बोध और प्रसन्न में रंगी बार कर दे. और जब भी वो आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है. इन द चोजन वेसल्स गुड सेमिनार्स ले कर्तरंगले नंगला दे अनुभव ही किन्हों. और मैं हर एक मीटिंग्सों में हम उन अनुभव को हम लेते हैं. आवरगल मेलर कर अभिषेक ते कानपड़त्व वनमाग है नाम येली मिनंटे तंदेवरगले वारे. उनके अंदर में जो अभिषेक है उसके आदर देते हुए हम सब खड़े हो जाएंगे. ये पुरुष दार्न हम सब खड़े हो जाएंगे. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kadara bala bushanduri, kara bala bara bala bushanduri, ura bala ra bala bushanduri, kara bala bara bala bara bala. Uri bala shanduni, kara bala bara bushanduri. Albarga baga she de baga. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shikabara rabia, shikamagadara larakaba, shikabagadara larakaba. Thank you Jesus. सभी लोग स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, अन्य भाषा से आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें. हालेलुया. थैंक यू जीसस. He will see magadara raha magadegaba e magadorolo robo halbarhaba e hu magadara raha baga e mahasedegaba gaderelegaba she magadara ragaba e lere mahadorolo robo she bagadara ragaba she bagadara ragaba halban magadara ra O bagadara laraga bagadara, e magadara laraga baga, e magadara laraga baga. Speaker he magadoro lorokomo. आइए देखा भाषाओं में जिसको वरदान ऊंचे स्वर में परमेश्वर को आराधना करें, उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें. हम अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर. अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करें. सिंहासन को हमारे बीच में बुलाएं. Ere magadara, sedere magadoro loro ko magadara le rekaba. थे मगदर। आइए स्वर के ऊपर अपने हाथ उठाएं। Helban Magadar, let the Holy Spirit move. पवित्र आत्मा let the wind blow. वो हमारे बीच मंडरा रहा है। निमागदर हाथ उठा let water subside. ए मगदर लरग बगदरा। ओ आत्मा भर उसको मगदरा। Okay, it's okay. Please keep it like that. ए मामा गदरो समता मगदर लरगबा हेलबान मगदरा ए बगदर लरगबा ला मगदरा जीसस नाम को उठाए बोले यीशु हालेलुया हालेलुया बोले यीशु हालेलुया हालेलुया Bless everyone Lord. आइए अपने मुंह को खोल के बोलिए प्रभु आशीषित कर प्रभु आशीषित कर प्रभु आशीषित कर हालेलुया 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 जीसस जीसस टच एवरीवन लॉर्ड छू ले प्रभु तोड़ना छूए प्रभु छू प्रभु तेरा स्पर्श होने दे तेरा स्पर्श यीशु छू ले वंडरफुल जीसस ओ सुंदर प्रभु माइटी जीसस महिमा में प्रभु माइटी जीसस महिमा में प्रभु जीसस यीशु जीसस यीशु हालेलुया ये बिनेजर हो ये बिनेजर गो अब तक संभाला है ये बिनेसर हो ये बिनेसर हो अब तक संभाला है अब तक संभाला धन्यवाद 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 प्रभु हर एक खुद तेरे सामर्थ्य भर दे प्रभु भर दे मेरे लोगों हालेलुया 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 ये रोई धन्यवाद 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 दिखने वाला Jesus, Jesus, Keep on speaking. आइए हम अपने अन्य भाषाओं में बोलते रहे कोई थके ना. हालेलुया. अपनी आवाज़ को उठाए, अन्य भाषाओं में बोलिए. Keep on speaking in tongues. बोलिए, अन्य भाषा में बोलते रहिए, उसकी स्तुति करिए. अन्य भाषाओं में बोलते रहे कोई थके ना. यीशु यीशु जीसस में लगे रहे. वंडरफुल जीसस, सुंदर यीशु, माइटी लॉर्ड, पराक्रमी प्रभु. हालेलुया 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 हालेलुया. जीसस उस नाम को पुकारे, बोले यीशु. Thank you, Abba. धन्यवाद हो पिता. Thank you for being here. प्रभु हमारे बीच मध्य में है तू, तेरा धन्यवाद हो. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Abba. धन्यवाद हो पिता. Thank you, Abba. धन्यवाद हो पिता. Thank you, Abba. धन्यवाद पिता. Thank you, Abba. Yeah. धन्यवाद पिता. Thank you, Abba. Jesus. बोलिए यीशु. Hallelujah. Wonderful Jesus. धन्यवाद यीशु. Say mighty Jesus. बोलिए पराक्रमी यीशु. The Lord remembers Nagpur. परमेश्वर नागपुर को स्मरण करता है. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. Thank you, Papa. धन्यवाद पिता. As I stand here, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, Psalm 115, भजन 115, भजन संहिता 115 उसकी 12वीं आयत, 12th verse, भजन संहिता 115 और उसकी 12वीं आयत परमेश्वर दिखा रहा है. Stand God shows that verse. जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो परमेश्वर उस वचन को दिखा रहा है. The Lord remembers you, my child. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी सुधि रखता हूँ, तुम्हारा स्मरण करता हूँ. The Lord remember you, brother. भाई, परमेश्वर आपको याद रखता है. He has not forgotten you, sister. बहन, आपको परमेश्वर नहीं भूला है. याकूब, you are not forgotten by me. तू भुलाया नहीं गया है मेरे द्वारा. My son, इसाक, Lord remembers you. परमेश्वर तुझको याद रखता है. Hallelujah. बोले Hallelujah. Happy? क्या आप सब खुश हैं? Hallelujah. क्या आप सब खुश हैं? As I stand, I get a new raga. सोलंगा new raga. परमेश्वर एक नया राग को दे रहा है. हालेलुया. New एक नया new song comes. एक नया गीत को दे रहा है. Hallelujah. I'm sure. मैं निश्चित हूँ God is here. कि परमेश्वर यहाँ है. Amen. बोलिए आमेन. He remembers you. आपको स्मरण रखता है. And he bless. और हम आपको आशीषित करते हैं. He will bless Nagpur. वो नागपुर को आशीषित करेगा. He remembers. वो नागपुर को स्मरण रखता है. And he is blessing you. वो आपको आशीषित कर रहा है. He will make you increase. वो आपको बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएगा. He will make you increase. वो आपको बढ़ने में सहायता करेगा. हालेलुया. हालेलुया. ये जोरदार थालियों से उसको धन्यवाद करें. उसके वचनों के लिए धन्यवाद करें. अन्य अन्य भाषाओं में उसकी स्तुति करें, स्तुति करें. बाबा 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 शकला नमरा करला नमरा बाबा बाबा बगदरला नमरा नमरा खला बगदरला रगबा. थैंक यू अब्बा. धन्यवाद हो पिता. सो ही रिमेंबर्स. He blesses, make you increase. वो स्मरण रखता है, वो आशीषित करता है और वो आपको बढ़ाता है. Hallelujah. Hallelujah. After this seminar, your church will increase. इस सेमिनार के बाद में आपका चर्च विस्तृत होगा, बड़ा होगा. Hallelujah. Hallelujah. There will be increase. वहाँ पर उन्नति, बढ़ोतरी होगी. Say increase. बोलिए बढ़ोतरी. In your family life, increase in health. पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी. Increase in joy. आनंद में बढ़ोतरी. Increase in peace. शांति में बढ़ोतरी. Hallelujah. Increase in finances. आर्थिक विषयों में भी उन्नति. Hallelujah. Hallelujah. बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद 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 प्रभु. 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 जिसे धन्यवाद धन्यवाद प्रभु. हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु. ये विनेशर धन्यवाद. ये विनेशर धन्यवाद. अब तक संभाला धन्यवाद. अब तक संभाला धन्यवाद. विनेशर धन्यवाद. विनेशर धन्यवाद. अब तक संभाला धन्यवाद. हालेलुया. अब तक संभाला धन्यवाद. बजाकर उसको महिमा दे. थैंक यू अब्बा. तालियां बजा के उसको महिमा करें. जीसस. यीशु, यीशु, the worship anointing flow, आराधना की वो उसकी उपस्थिति बहने दे प्रभु, वो अभिषेक को बहने दे प्रभु। थैंक यू अपा, धन्यवाद ओ पिता। एल शडाई धन्यवाद, एल शडाई धन्यवाद, शडाई धन्यवाद, सर्व शक्तिमान धन्यवाद, एल शडाई धन्यवाद, सर्व शक्तिमान धन्यवाद। You sing, एल शडाई धन्यवाद, सर्व शक्तिमान धन्यवाद, एल शडाई धन्यवाद, सर्व शक्तिमान धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। उच्च स्वर में बोले धन्यवाद, धन्यवाद, कुछ होना शुरू हो गया है इसी वक्त। That worship anointing is important. आराधना का अभिषेक महत्वपूर्ण है प्रियो। How do you say? वो आराधना का अभिषेक आपके बीच में उतर रहा है। Jesus. Hallelujah. 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 That's a new raga comes. इसलिए मैं कहता हूँ कि नए राग, उधर रागम, नए धुन, नई राग परमेश्वर दे रहा है। पुद राग इन हिंदी नए धुन को हिंदी में दे रहा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू हिम। ले लीजिए उस अभिषेक को आज। हालेलुया, वो अभिषेक उतर रहा है। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए नई धुनों का अभिषेक। परमेश्वर नई धुन हिंदी में दे रहा है। वो धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लीजिए। आज हम खाली हाथ न जाए, यहाँ से उस अभिषेक को लेकर जाए। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जीसस, यीशु, जीसस, यीशु, जीसस, यीशु, जीसस। बोलिए यीशु, यीशु। Many will compose new tunes. आप में से अनेक लोग नई धुनों को रचने जा रहे हैं, नई धुन को रचने जा रहे हैं। हालेलुया। ले लीजिए उस अभिषेक को आज। हालेलुया, वो दे रहा है। हालेलुया। After the seminar your worship style will change. आपकी आराधना करने का तरीका बदलने जा रहा है। Glory! महिमा हो उसकी, महिमा हो, महिमा हो। Glory! महिमा, महिमा, महिमा उसकी हो। हालेलुया। Thank you, Abba. पिताजी तेरा धन्यवाद। As you sing, there is a deliverance in your body. जब आप गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आपके शरीर में एक छुटकारा हो रहा है। There is a healing in your body. आपके शरीर में एक चंगाई की आत्मा दौड़ रही है। You are healed. आप चंगे हो गए हैं। हलबन महादरा। Hallelujah. शे महादरो। Thank you, Abba. धन्यवाद Jesus. यीशु। Your sickness is removed right now. आपकी बीमारी इसी वक्त निकल चुकी है। धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Hallelujah. जीसस। बोलिए यीशु। सब मिलके बोलिए यीशु। थैंक यू अप्पा, धन्य पिता। As they were singing in the battlefield, प्रभु enemies were defeated. जैसे मैदाने जंग में लोग आराधना कर रहे थे तो विरोधी हार गया। Enemies are defeated. वो सारे विरोधी हार गए। Enemies to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के विरोधी हार गए। We overcome by the blood of Jesus. यीशु के लहू में हम उसके ऊपर जय घोषणा करते हैं। As we worship, जैसे हम आराधना करते हैं, enemies defeated. वो शैतान हार जाता है। बोलिए यीशु, यीशु। Yeshu, Yeshu, सब मिलके बोले the name of Jesus. Yeshu, once again, Yeshu. उसके नाम में सामर्थ्य प्रिय, उसके नाम को ले। बोलिए यीशु। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, कैसे बोलिए? बोलिए यीशु। थैंक यू, उसके नाम में सामर्थ है। यीशु धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीसस। यीशु। As Paul and Silas singing, the place was shaken. Hallelujah. Shaken. वो जगह हिल गई यीशु मसीह की वहाँ की उपस्थिति को देखकर। Amen. Hallelujah. Shaken. How do you say? पूरी हिल गई। असाइंदद। वो पूरी हिल पड़ी, वहाँ पर हलचल हो गई। हाँ से लगता है असाइंदद। वो पूरा हिल पड़ा, वहाँ से भूकंप सा उठा वहाँ पर। Jesus. बोले यीशु। The chains fell off. जंजीरें टूट गई। से लगता है पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में थे तो वहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया और उनके जो संकल थे, जंजीर थे, वो टूट गए। हालेलुया। बोलिए जंजीर टूट गए, टूट गए। बोलिए जंजीर, जंजीर टूट गए, टूट गए। बोलिए टूट गए, टूट गए। Hallelujah. You were changed. Hallelujah. 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 And the doors opened. और वहाँ के दरवाजे खुल गए, बंद दरवाजे. Doors for the gospel opened. और सुसमाचार के लिए दरवाजे खुल गए हैं नागपुर में. Hallelujah. Hallelujah. When you worship, जब हम आराधना कर रहे हैं तो तीन चीजें हो रही है. Chains fall. बंधन जंजीर टूट रहे हैं. Hallelujah. Gospel doors for gospel open. सुसमाचार के लिए दरवाजे खुल रहे हैं. Hallelujah. आराबागादा. बंद दरवाजे खुल रहे हैं. Many states they are closing. और कई जगह राज्यों में दरवाजे बंद हो रहे हैं. We went to Himachal last month. हम हिमाचल गए थे पिछले महीने, वहां दरवाजे बंद. बट लेकिन यहाँ पर दरवाजे खुलेंगे. यहाँ हम घोषणा ओपन कि दरवाजे खुल गए हैं. गॉस्पल डोर्स ओपन ऑल ओवर इंडिया. समाचार के लिए दरवाजे पूरे भारत में खुल गए हैं. इन हिमाचल, हिमाचल में भी खुल गए हैं. ओपन यीशु के नाम में खुल गए हैं. महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में डोर्स बी ओपन. सुसमाचार के दरवाजे खुल जाए. ग्लोरी, महिमा, 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 महिमा. These 3 days, ये 3 दिनों going to worship. हम उसकी आराधना करने वाले हैं. That's why I have come. और इसलिए मैं आपके साथ आया. हालेलुया, हालेलुया. There are teachers here. यहाँ पर शिक्षक लोग हैं, वचन में से शिक्षण देने के लिए लोग हैं. I have come to lead you in worship. मैं आपको आराधना में ले जाने आया हूँ. धन्यवाद यीशु. जोरदार तालियाँ. Wonderful hearts. Beautiful. महिमा करे, महिमा करे, महिमा करे. Glory. महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो यीशु. महिमा हो, महिमा, महिमा. महिमा, महिमा, महिमा हो यीशु. जोरदार तालियों से इसकी महिमा. महिमा, महिमा, महिमा. महिमा ही महिमा उसकी करते रहे. हालेलुया, हालेलुया. महिमा, 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 महिमा. मैदा माँ, इन तमिल मैदा माँ. महिमा, महिमा, मैदा माँ. महिमा, महिमा बोल के उसको आटे के समान इतना भर डालो कि वो खींचता चला जाए और महिमा फैलता चला जाए. हालेलुया, हालेलुया. नीना ट्रांसलेट एवरीथिंग. The Tamil people understand. I know these things happen. इन दिनों में ये होने वाला है. Chains fall off. बंधन टूटने वाले हैं. Doors open. दरवाजे खुलने वाले हैं. Third one. तीसरी बात. The jailer. जो बंदीगृह का. The ruler of the jail. जो अधिकारी था जेल का. The ruler. अधिकारी. 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 जो वहाँ का अधिकारी था बंदीगृह. Becomes believer. वो विश्वासी में तब्दील हो जाएगा. Hallelujah. घोषणा करिए, घोषणा करिए. This is prayer. Declare. ओ ये प्रार्थना का समय है. घोषणा करिए, घोषणा करिए. Say that Nagpur rulers. ओ ये नागपुर के अधिकारी. You all become believers. वो आप सब विश्वासी बन जाएं. Nagpur rulers. ओ ये नागपुर के ऊपर के अधिकारी. Become believers. वो विश्वासी बने. Glory. महिमा, महिमा, महिमा. He Amen. Amen. Thank you, Appa. धन्यवाद ओ पिता. These 3 days. तेरी अनुग्रह. This Nagpur. इस नागपुर के ऊपर. This state. इस राज्य के ऊपर. Will experience. इन दिनों में देखने जा रहा है. The glory of God. परमेश्वर की महिमा को. The glory of God. परमेश्वर की महिमा को. Thank you, Appa. धन्यवाद ओ पिता. Thank you, Appa. धन्यवाद ओ पिता. Thank you, Appa. Thank you, Appa. धन्यवाद पिता. Jesus. यीशु. Thank you. धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद यीशु. Revival starts from Nagpur. बेदारी नागपुर से शुरू हो रही है. Because it's a center of India. क्योंकि ये भारत का मध्य भाग है. सेंटर ऑफ इंडिया. और नागपुर भारत का हृदय है, सेंटर है. चले इधर बोलिए, ऐसा बताइए, है ना, बीच का भाग है. हालेलुया. बीच का भाग है, महत्वपूर्ण है. आमीन. हालेलुया. महिमा हो यीशु ही की. नागपुर में महिमा हो यीशु की. बोलिए प्रिय मुँह से, नागपुर में महिमा हो यीशु की. महिमा हो Jesus. Yeshua. Thank you. धन्यवाद यीशु. He looks at everyone. आप में से हर एक की ओर वो निहार कर देख रहा है. You believe? क्या आप विश्वास करते हैं? He's looking at you. वो आपकी ओर व्यक्तिगत रूप से देख रहा है. He needs you for this revival. इस बेदारी के लिए आपकी जरूरत है. हालेलुया. Thank you. Through you. आपके लिए आपकी जरूरत है. Through you. आपके द्वारा. Through you. आपके द्वारा. This nation. ये देश. Will be blessed. आशीषित होगा. नागपुर. Through you. आपके द्वारा. Through you. आपके द्वारा. Through you. आपके द्वारा. Through you. आपके द्वारा. God's looking at. परमेश्वर आपकी ओर व्यक्तिगत रूप से देख रहा है. You are blessed. आप आशीषित हो. To attend the very first day. कि आप पहले ही दिन की आराधना में उपस्थित हो. Something is happening in your life. कुछ हो रहा है आपके बीच में. I want to finish right now. मैं इसी वक्त बंद करना चाहूँगा. Every day. Hallelujah. बोलिए Hallelujah. You will see the glory of God. आप सब महिमा की, परमेश्वर की महिमा को आप पाएंगे. Thank you, Appa. धन्यवाद पिता. Today evening. आज की शाम. And God's glory be manifested. परमेश्वर की महिमा उतरने जा रही है प्रियो. Hallelujah. No rain. बारिश नहीं. No rain. बोलिए बारिश नहीं है. Only the rain from heaven. बोलिए बारिश नहीं है. No rain. बारिश नहीं होगी. No rain. बोलिए बारिश नहीं होगी. For these 3 days. 3 दिन तक बारिश. Jesus. आपके आपके मुंह से घोषणा करिए, जीसे पुलिस से घोषणा करिए, जीसे पुलिस। Bring the people, लोगों को लेकर आ प्रभु, be glorified, और तू महिमा पाए प्रभु शाम में। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। Finish, but I am not able to finish. मैं समापन करना चाहता हूँ पर आत्मा मुझे फिर भी आगे बढ़ा। Very heavy presence right now. Heavy, heavy presence. परमेश्वर की बड़ी एक उपस्थिति यहाँ पर है, बड़ी भारी उपस्थिति है। Hallelujah. Hallelujah. But I have to finish. पर मुझे समापन यहाँ करना होगा। Food is there, so much there. You have to eat. वहाँ पर खाना है, तैयार है, आपको खाना खाना है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया, 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 महिमा हो यीशु की। बोलिए हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Still the presence of the Lord is amongst us. अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है प्रियो। कितने लोग कहते हैं अभी भी how many of you can say still the presence you can feel? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमारा मध्य में बिशप मोबिन साहब हैं, उनसे मैं विनती करता हूं सामने आके हमको प्रार्थना में, अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और हमारा बीच में बिशप हालेलुया, हालेलुया। Let's close our eyes and just have a word of prayer. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you for your holy presence among us. We thank God. Our Heavenly Father, thank you for this wonderful time that you have given us on this earth. To be a part of you, to dissolve in you in worship. We thank God for the great servants that you have sent among us, taking us through the great word of God. As we have begun the seminar as chosen vessel, Lord, as we live the place, able us to understand every righteousness that you have kept in us, to be called the chosen vessel, Father. Let your revelation be open unto us. Let us, this session we depart, let us carry your presence until we come back. Able us to be in your presence, soaked in your presence, Father. As your man of God is going to come and minister unto us, Lord, let your hands be upon us. Let your anointing be upon us, Father. We thank God for everyone that has been united, joined together in this great mission, Father. Lord, as we go, of course, able us to take this church to the unreached, to the nations, that your glory tarry with us. Lord, as we are departing for the first session, your presence be with us, Father. We thank you once again for your glorious presence that you have given us. Thank you, Lord, once again. In the most precious holy name we pray this morning. Let the church say amen. 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 Hallelujah. आइए हम सब जन परमेश्वर को आदर देते हुए खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर का आशीष को ग्रहण करेंगे। और अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ और हमेशा हमेशा तक बनी रहे। और सब जन कहे आमीन और आमीन।